स्टार्ट होने वाला है मिस्टर, थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, जिसका हमें खेद है। बिल्कुल निराश नहीं होइएगा, बिल्कुल मीटिंग प्रारंभ होने जा रहा है। थोड़ा सा तकनीक प्रॉब्लम, जो होस्ट जी हमारे हैं थोड़ा उनके यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और जल्द से जल्द प्रारंभ होगा। बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, हमारे पास समय बहुत है, हमने 4 बजे तक रखा है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, और आप सबको राखी कल है उसकी सबको शुभकामनाएं ढेर सारी, आप सभी बहनों को भी। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, तो आप लोग को बता देना चाहूंगा कि यह आयोजन दृष्टिबाधित विकास संघ और विजन क्लास दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया है, और यह लगातार इसकी कई कड़ियां भी होंगी, और आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है हमें। बिल्कुल आप लोगों को हर दिक्कत जो मोबाइल में है, उन सभी दिक्कतों को आपको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज हमारे प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर्स हैं विकास पारिक जी हैं, जो अभी आप आवाज उनकी सुन रहे हैं, तो उनके द्वारा आज आप लोगों को बारीकी जानकारी दी जाएगी, तकनीकी संबंधी मोबाइल से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। मैं राजेंद्र कुमार बेहरा, दृष्टिबाधित विकास संघ का सचिव, आप मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम है परंतु सॉल्व हो जाएगा। आप लोग आप मीटिंग स्टार्ट करिए, उनके यहाँ तकनीकी प्रॉब्लम है, जो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, इसलिए बोल रहे हैं लोगों को मतलब वेट कराना। तो सर सुमन को देखिए, सुमन को कीजिए, तो सुमन वंदना के लिए है, उनको अनम्यूट कीजिए ना। सुमन जी अनम्यूट करूं? हाँ जी जी हाँ, वैसे होस्ट आप भी कर सकते, चलो मैं करता हूँ, कोई नहीं। हाँ कर कीजिए। हाँ तो अब आज की बैठक प्रारंभ होने जा रही है, आज का जो प्रशिक्षण है, तो सर्वप्रथम सुमन जी जुड़ी होंगी, मेरे ख्याल से मेरी आवाज उनको सुनाई दे रही होगी, तो उनको अनम्यूट किया जा रहा है। और सुमन जो छत्तीसगढ़ से हैं, अभी बोर्ड एग्जाम हाई सेकेंडरी कुसुम करके आता है, सुमन तो नहीं दिखी है, नहीं दिखी क्या? कुसुम तो है, कुसुम है, सुमन कुसुम दीवान है, सुमन ने आईडी अपने नाम पे बना रखी है, दीवान है, दीवान दीवान कुसुम, वही ना कुसुम दीवान है, वही दीवानी है, दीवानी है कुसुम दीवान ना। हाँ जी जी, तो ये मैंने कुसुम जी आपको आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड किया, आप उसे। हेलो सर, आवाज आ रही है ना। हाँ, तो आज के हम इस शुभ कार्य के लिए, वंदना के लिए, मैं कुसुम सुमन दीवान को आमंत्रित करता हूँ कि वो सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। आज की इस वंदना माँ सरस्वती के वंदना से होगी, तो मैं पुनः सुमन दीवान जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वंदना प्रारंभ करें। सुमन जी, हाँ सुमन, चलिए। नमस्कार, मैं सुमन दीवान रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप लोगों के सामने एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। वंदन करूं मैं तेरी शारदा भवानी, वंदन करूं मैं तेरी शारदा भवानी, बुद्धि के दाता तू ही, बुद्धि के दाता तू ही, वेदा दयानी मावी न पानी, वंदन करूं मैं तेरी शारदा भवानी, वंदन करूं मैं तेरी शारदा भवानी, आने की आहट मैया लगे तेरे जब से, तेरी राह देखे सारे भक्त तेरे कब से, आने की आहट मैया लगे तेरे जब से, तेरी राह देखे सारे भक्त तेरे कब से,
अमृत रोशन दी है, अमृत शोभम दी है, तुझसे कहा वनरदा भवानी, वंदन करूं मैं तेरी शारदा भवानी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हुई सुमन जी के द्वारा। वंदन करूं मैं, बहुत ही बढ़िया। तो आज प्रारंभ करने से पूर्व आज के इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण के लिए मेरा नाम स्वयं था, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दृष्टि बाधित विकास संघ लगातार 2 वर्षों से दृष्टि बाधित साथियों के लिए कई कार्य करते आ रही है। उससे पूर्व हमने विवाह कार्यक्रम हो, चाहे मोबाइल प्रशिक्षण का हो, चाहे कंप्यूटर प्रशिक्षण का हो, हर क्षेत्र में हमने या शासन प्रशासन तक अपनी आवाजों को, हमारी समस्याओं को शासन प्रशासन पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम एक चीज में, हम लोग अभी कोरोना काल अर्थात कोरोना महामारी के चलते, जो विश्वव्यापी समस्या है, उसके चलते कोई भी संस्था जो है प्रशिक्षण का कार्य नहीं करा रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन घर बैठे हम लोग ज्ञान प्राप्त करें मोबाइल संबंधी। तो इसी तारतम्य में आज हमारे विजन क्लास जैन साहब जी, हमारे विकास पारिक जी, उनके द्वारा बिल्कुल सहमति दी, और उन्होंने जब हम लोग उनसे निवेदन किए तो उन्होंने सकारात्मक अपनी जवाब दी और तत्काल तैयार हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि आज का समय जो है टेक्नोलॉजी का है और ऑनलाइन का ही है, इसका जमाना है, इसका जनरेशन चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऑनलाइन द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो हमको उनके उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे दृष्टि बाधितों को भी कठिनाई हो रही है, तो इन सारे चीजों को देखकर हमने आज प्रशिक्षण की आवश्यकता हुई और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज ऑनलाइन प्रशिक्षण स्टार्ट करने का हमें मौका मिलना चाहिए, उन सब समस्याओं को दूर होना चाहिए, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमारे सामने हैं विकास पारिक जी। अब हमारे आज के जो प्रशिक्षक, उनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो राजस्थान से हैं, श्री विकास पारिक जी। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विशेष तौर पर मैं अवतार गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग एक ऐसा ऐसा सेशन करने वाले हैं एंड्रॉइड से रिलेटेड, क्योंकि हमारे दृष्टि बाधित समाज में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी एंड्रॉइड फोन चलाने से या उसकी जानकारी से वंचित हैं। इसलिए उन्होंने मेरे से एक निवेदन किया, मैं ये तो कहूंगा ये मेरा फर्ज था और उसे मैंने बिल्कुल शिरोधार्य किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। साथियों, समय के हिसाब से तकनीकी काफी बदल गई है। पहले हम लोग कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे, आपको 9100 या 1110 या ऐसे फोन, मतलब 2006-07 की बातें हैं वो, तो हम उनमें क्या करते थे कि जैसे कोई ऑप्शन हमें ढूंढना है तो हम लोग ऐसे एक बार एक बटन प्रेस किया, फिर 3 बार उसको प्रेस किया, ऐसे याद रखना पड़ता था हमें। फिर थोड़ा सा सुगम्यता हुई, उसके बाद में हमारे इंडियन फोन आए जिसमें N71, N72, N73 नोकिया के फोन आते थे, वो 63, E71 आदि आदि। तो जिसमें हम लोग क्या करते थे कि एक सॉफ्टवेयर था टॉक्स, उसे हम लोग इंस्टॉल करते थे और उससे हम लोग अपनी जरूरतमंद आवश्यकताएं जो हमारी होती थी उन्हें पूरी करते थे। यानी इतना एडवांस तो नहीं था, ठीक है, हम उसमें कॉल लगा लेते थे, कुछ कर लेते थे, कॉल रिसीव कर लेते थे, मैसेज सेंड कर लेते थे। लेकिन 2008 में एंड्रॉइड प्रारंभ हुआ, जिसकी स्थापना, यानी ये कह सकते हैं कि ये प्रभाव में आया 23 सितंबर 2008 में, और एंड्रॉइड फोन ने सबकी लाइफ को इतना बदल दिया कि आज पूरा ये यूं कहें तो उसमें कोई अनुचित नहीं होगा कि पूरा संसार
समस्त संसार, समस्त विश्व जो है उसकी प्रत्येक चीज हमारे हाथ में है, सिर्फ एक उंगली से क्लिक करना और वो चीज हमारे सामने आती है। तो थोड़ा सा मैं एंड्रॉइड के विषय में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि एंड्रॉइड गूगल के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक यूआई है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब ओएस है, सॉरी, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे गूगल ने प्रारंभ किया था और अभी पूरा सब कुछ गूगल के हाथ में है। और एंड्रॉइड का जो आविष्कार है, वो मुख्य तौर पर तीन लोगों को इसके आविष्कार का श्रेय जाता है। और इसके तो आविष्कारक हैं, ये बहुत आपकी आवाज अटक के आ रही है, रखने वाली बात है जी। हेलो, हाँ बेटा, सर हेलो, आपकी आवाज अटक के आ सर जी, आपकी आवाज अटक के आ रही है, अटक के आ रही है मेरी आवाज। जी 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 सर, जी सर, हाँ अब आवाज आई मेरी आपको? हेलो, यस, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। तो एंड्रॉइड के मुख्य तौर पर आविष्कारक तीन लोगों माना जाता है, जिसमें प्रथम थे एंडी रूबन, दूसरे थे रिच माइनर और तीसरे थे निक सियर्स। इन तीनों ने 23 सितंबर 2008 को एंड्रॉइड की स्थापना की थी, जो हमारे यानी यूं कहें कि प्रभाव में आए थे एंड्रॉइड फोन। और एंड्रॉइड फोन आपको जब मैं बता दूं कि जैसे हम लोग यूज करते थे पहले, सबसे पहले आई थी विंडो 98, फिर विस्टा, विंडो 7, लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं, यानी कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 आ गई। तो इस तरीके से एंड्रॉइड में भी अलग अलग वर्जन आए थे, जैसे सबसे पहले यानी प्रभाव में आया था एंड्रॉइड आई, जिसे हम लोग बोलते थे, का नाम आया था एंड्रॉइड आइसक्रीम, जी जेली बीन, किटकैट, मार्शमेलो, नॉगट, ओरियो, अभी फिलहाल में चल रहा है एंड्रॉइड 10, ठीक है। ये धीरे धीरे जैसे विकसित हुए इनका नाम बदलता गया, और मजे की बात यह है कि इनमें गूगल वालों ने एंड्रॉइड के नाम में एक यूं कहें थोड़ा सा उस नाम को से जुड़ने के लिए उन्होंने उस नाम को इंटरेस्टिंग बनाया, जैसे एंड्रॉइड किटकैट था, मार्शमेलो था, लॉलीपॉप था, नॉगट था, ओरियो था, पाई, और अभी एंड्रॉइड क्यू आया हुआ है। तो एंड्रॉइड फोन हमारे दृष्टिगत लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उसने हमें सबको सुगम्य बना दिया, इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ साथियों। सपोज कि आपको अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, और पहले का समय क्या था कि हम लोग लाइन में रहते थे, दो दो घंटे से नंबर आता था। अब क्या आवाज आ रही मेरी आपको? जी आ रही है। नहीं, सामने से मैसेज आ रहा कि आवाज नहीं आ रहा, वो शायद उनका नेट खराब हुआ। हाँ, कंटिन्यू करो सर मैं जी। हाँ जी, आ रही है। तो अब आपको सारा काम एक क्लिक पर आप घर बैठे कर सकते हैं, चाहे आपका बिल पे करना हो, किसी का रिचार्ज करना हो, यानी हमें एंड्रॉइड की जो टेक्नोलॉजी है उसने काफी हद तक इंडिपेंडेंट बना दिया है, ये अगर कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठीक है साथियों। तो चलिए एंड्रॉइड की विशेषताएं आपको लगभग लगभग मैंने एक मोटे मोटे तौर पर बता दी है, आपको ही मालूम है, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग एंड्रॉइड में हर वो काम कर सकते हैं जो एक दृष्टिवान व्यक्ति कर सकता है, वही काम हम लोग भी एंड्रॉइड में कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेने की जरूरत है। तो अब मैं मुद्दे पर आता हूं, हमें एंड्रॉइड फोन खरीदना है, ठीक है, हमें एंड्रॉइड फोन खरीदना है। अब हम कैसे पता करें कि हमें हमारे कौन सा एंड्रॉइड फोन सही होगा, मार्केट में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम ये चीज कैसे जाने कि कौन सा एंड्रॉइड फोन सही होगा। तो साथियों, एक तो सबसे पहले तो आपको एंड्रॉइड फोन अगर लेना है तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी चल रहा है फिलहाल में एंड्रॉइड 10, ठीक है, एंड्रॉइड 10 अभी चल रहा है,
और 9 का भी अगर ले लें बड़ी बात ना होगी, लेकिन ज्यादा पुराना फोन ना ले, ठीक है, क्योंकि कई फोन ऐसे भी हैं जिनमें एंड्रॉइड 6 और 7 है और जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं सेकेंड हैंड फोन खरीदने की बात नहीं करूंगा, मैं नया फोन खरीदने की बात करूंगा। एंड्रॉइड 10 के मतलब एंड्रॉइड 10 आ रहा था, हमें फोन लेना है और हमारे फोन में कॉन्फ़िगरेशन यानी वो फोन कैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग, आपको पता हो साथी, तो लैपटॉप खरीदते थे, खैर खरीदते अभी भी, लेकिन उस समय की बात, जैसे हम लोग क्या सोचते थे कि कम से कम जो है 2 GB रैम होनी चाहिए, कम से कम 512 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें एंड्रॉइड फोन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एंड्रॉइड फोन लेते समय आप 2-3 चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आज के समय में अगर आपको एंड्रॉइड फोन खरीदना है तो एक तो आपका बजट देख लीजिए पहले कि आपका बजट क्या है, ठीक है। आपका बजट देख लीजिए, आपका बजट 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 35-40, जहां तक भी आप जा सकते हैं आपका बजट देख लीजिए। उसके बाद में महत्वपूर्ण चीजें ये है कि सबसे पहले आपको अपने फोन की रैम देखनी है, रैम जो फोन को चलाती है। तो रैम कम से कम आज के समय को देखते हुए 4 GB या 6 GB रैम होनी चाहिए। वैसे मैं तो खैर 6 GB रैम को प्रेफर करूंगा क्योंकि अभी अधिकतर फोनों में 6 GB रैम आ रही है, तो कम से कम 6 GB, अगर ना मिले तो 4 GB, कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, तो कम से कम 4 GB रैम तो होनी ही चाहिए। 4 GB रैम आपने सेलेक्ट कर ली, अब उसमें प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए। प्रोसेसर, जैसे प्रोसेसर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में भी एक प्रोसेसर होता है, जैसे कोर i3 हम लोग बोलते थे, है ना। तो इस तरीके से, हेलो, हाँ आ रही है, कंटिन्यू करो ना। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए सर। जी हाँ, तो प्रोसेसर की बात मैं कर रहा था, तो प्रोसेसर हमें खरीदना है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, ठीक है। ये इसलिए, वैसे आजकल 2 तरह के प्रोसेसर अवेलेबल है, जिसमें एक मीडियाटेक का हेलो MediaTek है सर। जी मीडियाटेक, हाँ जी जी, हाँ जी, मीडियाटेक का हेलो करके है और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन है। तो हमारे लिए क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बहुत हद तक सही है और वही हमें लेना चाहिए। प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, या तो 660 या 665 या 670, ये प्रोसेसर आप को प्रेफर करना चाहिए फोन लेते समय। आप दुकानदार से या आप अगर ऑनलाइन फोन खरीदते हैं तो आप उसमें मेंशन रहता है कि प्रोसेसर कौन सा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 या 665 या 670, ये प्रोसेसर आप देखिए हमेशा, ठीक है। प्रोसेसर की बात हो गई, बैटरी कम से कम 6000 mAh, 6000 mAh की हमें बैटरी लेनी है। फोन में आजकल किसी फोन में 4000 mAh की बैटरी भी आती है, 6000 में 5000 की भी आती है, 6000 की भी आती है। तो आजकल की फोनों में 6000 5000, अगर 4 का भी मिले, वही बात मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज करना पर कोई दिक्कत नहीं है, 6000 की बैटरी के फोन अभी बहुत कम आए हैं, 4000 से शुरू है। 4000 से कम की बैटरी, मतलब 4000 mAh से कम की बैटरी के फोन आप ना लें, 4000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh की बैटरी की फोन लें, ठीक है। अब फोन की बात हो गई, सॉरी प्रोसेसर की बात हो गई, बैटरी की बात हो गई, रैम की मैंने बात बता दी, 4 GB या 6 GB आप लोग ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरनल स्टोरेज, फोन को खरीदने के लिए ये एक टॉपिक, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनल स्टोरेज हमारे फोन की कितनी होनी चाहिए। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इंटरनल स्टोरेज का मतलब आप सब लोग समझ गए होंगे, सब लोग बुद्धिजीवी हैं, यानी फोन की जो मेमोरी क्षमता है कि उसमें हम लोग कितना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। कम से कम, हाँ सर, आ रही है। मैंने अनम्यूट किया ना। जी अवतार जी, आपका थोड़ा सा डिस्टेंस आता है। हाँ ठीक है, मैं म्यूट कर लेता हूँ। हाँ म्यूट कर लिए जी। तो आजकल इंटरनल स्टोरेज को लेकर 2 तरह के वेरिएंट हैं, वैसे 3 तरह के हैं, लेकिन 2 तरह का जिक्र करूंगा। एक आता है 64 GB, एक आता है 128 GB। वैसे 32 GB का वेरिएंट भी है, लेकिन वो हमारे लिए सफिशियंट नहीं होगा क्योंकि हम लोग इतना सारा डेटा डाउनलोड करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो
वैसे आप लेना चाहें तो 32 GB ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर बिगिनर हैं, शुरुआत आपकी हो रही है, तो इतना कोई बहुत कम भी नहीं पड़ेगा इतना स्टोरेज आपको। तो 32 GB, 64 GB और 128 GB, ये तीन तरह के फोन आप खरीद सकते हैं। दुकानदार से पूछिए इसकी इंटरनल स्टोरेज क्या है। दूसरा आता है साथियों, इसके अंदर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी हम अपने फोन में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कई कई फोन ऐसे आते हैं जिनमें एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं होती है, तो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन यह है कि आप एक्सटर्नल स्टोरेज वाला जिसमें ना हो वो फोन ना ले, एक्सटर्नल स्टोरेज फोन में चाहिए। तो एक्सटर्नल स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 512 MB तक का मेमोरी कार्ड, सॉरी 256 GB तक का मेमोरी कार्ड सारे फोन सपोर्ट करते हैं। तो आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज का ऑप्शन है या नहीं। और सपोज कीजिए आपने रैम देख लिया फोन की, विकास जी सर थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, क्या होता है कई जो फोन रहते हैं जी उनमें 6 GB कहा जाता है कि आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड नहीं दिया जाएगा, या तो दो मेमोरी, या तो एक मेमोरी रहेगी, या आप एक दो सिम चला सकते हैं। तो बहुत सारे फोन होते हैं जैसे स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जी, बिल्कुल, तो स्टॉक एंड्रॉइड में जैसे नोकिया है या MI का स्टॉक एंड्रॉइड है, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड में तो लगभग ये समझिए कि आपको नहीं मिलने वाला है जी ये एक्सटर्नल मेमोरी का, तो आप लोग इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर जी। आप कहीं देखिए, हम भी आपकी तरह इंसान है सर, कहीं कोई अगर बोलने में ऊंचा नीचा हो जाए तो आप बिल्कुल हमें बीच में टोकिएगा और आप हमारी बात को करेक्ट कीजिएगा, ठीक है सर। तो हाँ, एक्सटर्नल स्टोरेज की बात चल रही थी, सर ने बताया कि कुछ कुछ फोन में अवेलेबल नहीं है, तो अगर जिसमें नहीं है तो आप उसकी मेमोरी 64 GB तो कम से कम रखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज, वो कम से कम 64 GB होनी चाहिए। ये बात आप सबके सामने क्लियर। अब साथियों, बैटरी हो गई, इंटरनल स्टोरेज हो गया, प्रोसेसर भी लगभग मैंने आपको क्लियर कर दिया। मीडियाटेक का प्रोसेसर का फोन ना ही ले तो ठीक है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब साथियों, हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, फोन एंड्रॉइड फोन दो तरह से होते हैं, एक होता है स्टॉक एंड्रॉइड, एक होता है कस्टम एंड्रॉइड। स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब ये हुआ कि गूगल ने एंड्रॉइड को जिस तरीके से बनाया है उसी सेम चीज को उस, पहले तो ये बता दूं मैं, एंड्रॉइड जैसे जो कंपनियां हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां जो एंड्रॉइड फोन डिजाइन करती है, कुछ कुछ कंपनियां गूगल ने जैसा का जैसा फोन बनाया उसी को अपने, जैसा एंड्रॉइड को बनाया था उसी चीज को अपने फोन पे चढ़ा देती हैं। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो उसमें थोड़ा सा फेर बदल करती है, अपने हिसाब से उसको डिजाइन करती है, अपने हिसाब से उसे UI, जैसे जिसे हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस, वो अपने हिसाब से बनाती है। तो जो अपने हिसाब से बनाती है कंपनियां उसे हम लोग बोलते हैं कस्टम एंड्रॉइड, और जो गूगल का एंड्रॉइड प्योर एंड्रॉइड जिसे हम कहते हैं वो होता है स्टॉक एंड्रॉइड। तो स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम एंड्रॉइड में फर्क सिर्फ इतना है साथियों कि स्टॉक एंड्रॉइड में हम जैसे जो चीज गूगल ने हमें दी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और कस्टम एंड्रॉइड में ये होता है कि जैसे कस्टम एंड्रॉइड की जो कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि सैमसंग ले लीजिए, या फिर आप MI ले लीजिए, या सैमसंग हो गया, MI हो गया, और आपका ये रियलमी हो गया, ऑनर हो गया, ये सारे फोन जो है वो अधिकतर इनके फोन कस्टम एंड्रॉइड के, कस्टमाइजेशन उनमें होता है, वो कस्टमाइज किए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने हिसाब से उसे छेड़छाड़ करके और अपने हिसाब से उसे थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ही होगा, वो गूगल का ही होगा, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन वो अपने हिसाब से ज्यादा उसमें डाल देते हैं, तो उससे कई बार क्या होता है कि फोन थोड़ा सा स्लो भी काम करता है। हालांकि ये एकदम, इसे हम लोग ये लोहे की लकीर भी नहीं बोल सकते कि कस्टम एंड्रॉइड नहीं लेना चाहिए, इसके मैं अपने फायदे बताऊंगा। स्टॉक एंड्रॉइड के भी अपने फायदे ये हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड में लोग ऐसा बोलते हैं कि उसमें जैसा का जैसा गूगल ने दिया था वैसा का वैसा उसने, उस कंपनी ने गूगल से खरीद के और फोन पर चढ़ा दिया। तो कस्टम एंड्रॉइड और स्टॉक एंड्रॉइड में आपको विचार करना है कि कौन सा फोन लेना चाहिए।
देखिए मेरा मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि कस्टम एंड्रॉइड में सैमसंग के फोन को मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ, उसका भी रीजन मैं बाद में बताऊंगा। चलो आपने फोन खरीदना है, अभी हम लोग उस प्रोसेस में चल रहे हैं कि फोन हमें खरीदना कौन सा है। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हुआ, हमारा बजट क्लियर हुआ, हमारा कौन सा एंड्रॉइड हमें लेना चाहिए, कस्टम या स्टॉक एंड्रॉइड, वो क्लियर हुआ। उसके बाद में रैम कितनी होनी चाहिए, इंटरनल स्टोरेज कितना होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है साथियों, हमने एंड्रॉइड फोन खरीद लिया, एंड्रॉइड फोन हमने खरीद लिया। अब हम चाहते हैं कि यार बिना किसी दृष्टिवान की सहायता के हम इसमें अपना जो बोलने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसे जो हमें हर चीज बोल करके बताता है कि हमने क्या प्रेस किया, उसे अगर हम ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि विकास जी थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। जी जी बताइए। देखिए होता ये है कि आपने सैमसंग और इसके बारे में थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड और इसमें अंतर बता दूं। जी। जैसा कि आप लोगों ने सैमसंग में देखा होगा कि क्या है इनका वो रहता है क्या वॉइस असिस्टेंट, ठीक है, लेकिन आपको स्टॉक एंड्रॉइड में वॉइस असिस्टेंट या अलग से उनका खुद का सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा, जो भी जो है वो मिलेगा वो गूगल का मिलेगा। तो इस बारे में तो हम सबको क्लियर हो गया है। तीसरी बात, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत ही कम मिलेंगी जो एकदम ही रेयर केस में होती हैं, बिल्कुल है ना, जबकि और उन्हें अनइंस्टॉल करने का मौका भी दिया जाता है, जबकि जो है सैमसंग के फोन या उसके जो उनके तरफ से जो कंपनी की तरफ से दी जाती है उन्हें हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। स्टॉक एंड्रॉइड में अनइंस्टॉल करने का आपको पूरा का पूरा मौका रहता है कि हम अगर कंपनी आपको दी है आप उसको चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपको अपने फोन से हटा सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो मुझे बताना था, बाकी फिर आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो अवतार जी ने बताया कि बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड का अपना फायदा है, कस्टम एंड्रॉइड का अपना फायदा है, उसके मैं फायदा आपको बताऊंगा। चलिए तो अब मैं आपको बता दूं कि हमने एक एंड्रॉइड फोन खरीद लिया, हम चाहते हैं कि हम इसे अपने मुताबिक बनाएं ताकि ये हर चीज हम स्क्रीन पर जहां भी हाथ रखें हमें ये बताए कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एंड्रॉइड फोन हम लेते हैं तो एंड्रॉइड फोन में मुख्य तौर पर तीन बटन होते हैं साथियों। एक तो होता है जैसे हमने एंड्रॉइड फोन लिया उसे ओपन किया खोला तो उसमें आपको तीन बटन मिलते हैं। एक होता है पावर बटन जिससे हम लोग अपना फोन स्विच ऑन करते हैं, इसको हम लोग लंबी लगभग 2-3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं, लॉन्ग प्रेस दबा के रखते हैं ये कहूंगा तो हमारा फोन स्विच ऑन हो जाता है, वो होता है पावर बटन। दो बटन और होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम रॉकर, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, दो बटन होते हैं। अच्छा, ये निर्भर करता है कि कुछ कुछ फोन में तीनों बटन एक ही तरफ होते हैं, कुछ कुछ मोबाइल में दो बटन यानी दोनों वॉल्यूम के एक तरफ होते हैं, पावर बटन एक तरफ होता है ना। तो पहले आपने अपना फोन खोला, जैसे आप फोन लेना चाहें जो भी आपने फोन लिया है, पहले क्या होता था कि सैमसंग फोन में ये होता था कि दोनों तरफ वॉल्यूम आते थे और एक तरफ पावर बटन आता था, आजकल उसमें भी सारे ही बटन एक तरफ जो है आए हैं। और तो सबसे पहले आपको फोन को खोलना है और क्या करना है, स्विच ऑन करना है। क्या करना है, स्विच ऑन करना है, पावर बटन को लंबी मतलब लगभग 3-4 सेकंड तक दबा के रखना है, एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा तो हमारा फोन स्विच ऑन हो जाएगा। आपका फोन स्विच ऑन, वाइब्रेशन के बाद में आप 1 मिनट तक इंतजार करिए, आपका फोन स्विच ऑन हो गया। फोन स्विच ऑन हो गया, अब आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है जो हमें फोन में हर चीज बोल करके बताएगा वो उसे हम लोग ऑन कैसे करें। भाई हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने स्वाभिमान पे जीना चाहते हैं, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए जल्दी से जहां तक संभव हो सके, तो हमें खुद को उसे ऑन करना है। तो हम उसे ऑन कैसे करेंगे, पावर बटन को छोड़ दीजिए, दोनों वॉल्यूम बटन होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक ऊपर एक नीचे, एक वॉल्यूम कम करने का एक वॉल्यूम ज्यादा करने का बटन होता है, दोनों एकदम पास पास होते हैं, जुड़े होते हैं, थोड़ा सा गैप रहता है, उनको हम लोग
लंबा दबाएंगे यानी 3 से 4 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। 3 से 4 सेकंड तक हमने प्रेस करके रखा तो बोलेगा एक्सेसिबिलिटी ऑन या टॉकबैक ऑन। नया फोन होता है तो एक्सेसिबिलिटी ऑन बोलता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, मैं देखिए एक सेकंड, देखिए मैंने अभी दोनों बटन को एक साथ ऑन किया है तो ये देखिए नहीं, अच्छा अब तक आवाज नहीं आई होगी। अब देखिए एक सेकंड, टॉकबैक ऑन उसने बोला लेकिन म्यूजिक वॉल्यूम सेट टू 70%, जस्ट वेट, टॉकबैक ऑफ, ये अभी समझ लीजिए अभी टॉकबैक ऑफ है। अब मुझे इसको ऑन करना है तो ये ऑन कैसे होगा, मैंने दोनों वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस किया है, ये देखिए अब शायद आपको आवाज आ जाए ढंग से, टॉकबैक ऑन, ये देखिए लॉन्चर लेस देन 3, टॉकबैक ऑन इसने बोला क्योंकि इसमें पहले से टॉकबैक मैंने ऑन कर रखा था और दूसरे फोन में बोलता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी फंक्शन या फीचर ऐसे कुछ बोलता है वो ऑन। क्यों गुप्ता जी, गुप्ता जी चलिए कोई नहीं, तो एक्सेसिबिलिटी फीचर जो है ऑन हमें हमने कर लिया। उसके बाद में उसमें कुछ आवाज आ रही है अब तक मेरी, हेलो जी, हेलो हेलो आ रही मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बहरा सर आपकी आवाज आ रही है, आप दोनों में से एक आदमी म्यूट रखिए ताकि मुझे पता चले। नहीं नहीं अब तक मेरी आवाज आ रही है। हाँ सर, हाँ चलिए चलिए आगे बढ़िए, हाँ बंद मिल रही है, ठीक है जी जी जी। तो हमने टॉकबैक को ऑन किया, सभी फोन में टॉकबैक एक एप्लीकेशन प्रीलोडेड आती है यानी ये एप्लीकेशन फोन में पहले से ही होती है, लेकिन सैमसंग में जो इसी टॉकबैक का एक मतलब उसे आप टॉकबैक का ही वर्जन बोल सकते हैं या टॉकबैक ही बोल सकते हैं जिसका नाम होता है वॉइस असिस्टेंट, वो थोड़ा सा उसका फीचर अलग है बाकी टॉकबैक जैसा ही होता है। वो सैमसंग का अपना TTS टेक्स्ट टू स्पीच इंजन होता है, ये मैं सारी जानकारी आपको दूंगा बाद में TTS क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपने दोनों बटन को, नया फोन लिया दोनों वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस किया 3 से 4 सेकंड तक, यूं कहें कि 4 से 5 सेकंड तक, तो आपका टॉकबैक ऑन हो गया या वॉइस असिस्टेंट ऑन हो गया। अब देखिए उसमें उसने अपने ट्यूटोरियल दिखाए होंगे कि आपको इसे कैसे चलाना है, तो वो एक एक वन बाई वन ट्यूटोरियल दिखाता रहेगा, आप उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए। लेसन यानी उसे हम लोग लेसन बोल सकते हैं, वो दिखाएगा आप उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, 4-5 लेसन दिखाएगा, उसके बाद में फिनिश या डन ऐसा कुछ आएगा उसे ओके कर दीजिए, तो आपका ये टॉकबैक या वॉइस असिस्टेंट ऑन हो गया। ठीक है, सैमसंग में वॉइस असिस्टेंट है और बाकी सारे फोन्स में टॉकबैक है। आपने उसे ऑन किया, अब आपको टॉकबैक के साथ में फोन चलाना कैसे है, टॉकबैक या वॉइस असिस्टेंट के साथ में फोन को चलाना कैसे है, कैसे आपको ये फोन, देखिए सबसे पहले आप फोन ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आवाज आएगी। जैसे आपने फोन ऑन किया, आपने सारे लेसन कंप्लीट कर लिए, अब देखिए search for BTN button, accessibility volume set to 100%, बेरा सर मेरी जो ये टॉकबैक इसकी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, समझ में आ रहा है अच्छे से? जी। तो चलिए साथियों, हमने जैसे टॉकबैक ऑन किया, अब हमें फोन को चलाना कैसे है, तो देखिए हमें एक उंगली हमारी अंगूठे के पास वाली उंगली उसे हमें इस तरीके से फोन पर चलाना है, आगे और पीछे दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ ऐसे चलाना जैसे हम लोग ब्रेल पढ़ रहे हैं, मतलब या फिर किसी चीज को ऐसे उंगली से ढकेल रहे हैं या झाड़ू निकाल रहे हैं, एक उंगली से झाड़ू निकाल रहे हैं, समझ लीजिए आप कि आपको एक उंगली से या स्क्रीन कुछ भी साफ करना है, ऐसे एक उंगली से आपने साफ किया तो उस तरह से आपको अपनी उंगली चलानी है। मैसेज व्हाट्सएप 900 सेटिंग्स, तो आपको देखिए अब मैं उंगली चला के दिखाता हूँ आपको ऐसे चलानी है,
एक उंगली आप, मैं दाएं से बाएं लेके जा रहा हूं, देखिएगा फेसबुक, इसने बोला ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ये कुछ एप्लीकेशंस के नाम है जो मेरी होम स्क्रीन पर है, ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे फोन बोलता है, देखिए दैनिक जागरण, थोड़ा सा हो सकता है शुरू शुरू में आपको समझने में प्रॉब्लम हो, उसका भी आपके पास तोड़ है, ये सिर्फ मैं आपको शुरुआती चीजें बता रहा हूँ कि फोन ऑन होगा तो इस तरीके से ऑन होगा, ये अभी ये जो एक्सेंट है, ये जो उच्चारण है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंग्लिश के उच्चारण है, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश यूएसए, बाय डिफॉल्ट यही चीज शुरू होगी, देखिएगा मैं आपको फिर बता रहा हूँ My files. YouTube advanced. WhatsApp. Gallery. Home screen one of one settings. फिर हम लोग जैसे अब ये आगे चल रहे थे, अब पीछे चलते हैं, देखिए उसी तरीके से एक उंगली से हम लोग ये समझ लीजिए स्क्रीन पर, या मतलब किसी को ढकेल रहे हैं या झाड़ू निकाल रहे हैं, मैंने आपको बताया एक ये एक जुगाड़ वाला तरीका मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ कि एक उंगली को हमें कैसे फोन पर रखना है। स्क्रीन आपकी जितनी बड़ी स्क्रीन है, नीचे से आपको नीचे से 30% या 20% स्क्रीन कवर करनी है, उंगली जहां तक जाती है, और उस उंगली को ऐसे घुमाना है, देखिए गैलरी, व्हाट्सएप, यूट्यूब डांस, माय फाइल्स, जीओटीवी, दैनिक जागरण, ऑल इंडिया रेडियो, फेसबुक, सेटिंग्स, सर्च फॉर बीटीएन, प्ले स्टोर, कैमरा, एप्स, मैसेजेस, फोन, होम स्क्रीन वन ऑफ वन सेटिंग, गैलरी। ये देखिए अब आपको आपको शायद मैंने अगर बताया, आप अपने अपने फोन में एक्सप्लोर करिएगा, इस तरीके से आपको अपनी उंगली चलानी है, एक उंगली, और अब जैसे आप ये देखिए कि आपने फोन को उंगली चलाई और आपने ऑप्शन निकाल लिया, फोन, मैसेजेस, मैसेजेस, एप्स, कैमरा, प्ले स्टोर, समझिए कि हमें सेटिंग खोलनी है, हमें ये पता चल गया कि हमारी उंगली सेट पर है, सेटिंग पर हमारी उंगली है, इस एक थोड़ा सा बीच में मैं आना चाहूंगा, सिर्फ फोन चलाने का तरीका यही है, इसके बाद में एक तरीका होता है, हम लोग बोलते हैं ये जो फोन, इसको हम बोलते हैं स्वाइपिंग, स्वाइप करना, यानी एक उंगली को हम दो तरफ स्वाइप कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो ऑप्शन आया उस पर हमें जिस ऑप्शन में खोलना है उस ऑप्शन को हमने एक उंगली से दो बार प्रेस करना होगा, यानी मैं अभी आपको फोन में देखो उस साइन देगा स्पीड क्या होती है हमारी दो बार प्रेस करने की, जैसे सेटिंग पे हम लोग रुके हुए हैं, सेटिंग हमें खोलनी है तो इस तरह से प्रेस करना, देखिए मैं अभी जिस फोन से मैं मीटिंग कर रहा हूँ उसी से आपके फोन पे दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से यही आपका यही आपका मतलब डबल टैप करने का तरीका है, जैसे उसने बोला सेटिंग, एक उंगली से इतनी स्पीड में रखना है, देखिए पूरी स्क्रीन पर आप कहीं भी डबल टैप करिए, डबल टैप इन द सेंस दो, एक उंगली से दो बार मारिए फोन पर, ज्यादा जोर से नहीं, धीरे से, पूरी स्क्रीन पे कहीं भी करें खुलेगा सेटिंग ही, ये एक विशेषता है हमारे टॉकबैक की कि पूरी स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप करें खुलेगा सेटिंग ही, क्योंकि हमें सेटिंग पे हम लोग रुक गए, उसने बोला सेटिंग्स, हम लोग रुक गए, हमने डबल टैप किया, डबल टैप करने का तरीका इतनी स्पीड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर ऐसा नहीं, एक उंगली दोनों मतलब सॉरी दोनों बार जो उंगली हम लोग मारेंगे वो एक ही जगह गिरनी चाहिए, जैसे लगातार मारना है सर, लगातार मारना है, जी 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 बहरा सर, बिल्कुल लगातार, जैसे अभी मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ तो आपको शायद आवाज आ रही होगी मेरी, जी जी आ रही है जी, आ रही है ना, देखिए जी जी ठीक है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो ये देखिए अभी मैं, हाँ सर्च सेटिंग्स फेसबुक, देखिए अभी अब मैं वापस पीछे की ओर जा रहा हूँ, सेटिंग पे, Settings. अब मैं पूरी स्क्रीन पे कहीं भी डबल टैप कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए Settings.
search settings button. Setting खुल गया. Showing items 1 to 14 जो मैं चाहता, जो मैं चाहता था वो ऑप्शन सेटिंग खुल गया है. सेटिंग खुल गया. अब हमें सेटिंग में जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो देखने हैं. तो फिर हम वही तरीका, वही मेथड रखेंगे. एक उंगली को स्वाइप करते हुए आगे की ओर, यानी राइट, लेफ्ट से राइट में लेके जा रहे हैं तो आगे वाले ऑप्शन आएंगे. देखिए सेटिंग खोल दिया मैंने. कैसे खोला? बैक. देखिए होम स्क्रीन 1 ऑफ 1 सर्च बार btn बटन सेटिंग. सेटिंग सेटिंग पे आया. और सेटिंग पे आने के बाद में मैंने इस पे डबल टैप किया. सेटिंग्स सर्च सेटिंग्स बटन. ये एक शुरुआती, बहुत शुरुआती तरीका है कि आपको कोई चीज खोलनी कैसे, उसे ओपन कैसे करना है डबल टैप करते हुए. तो ये डबल टैप करने का तरीका हमेशा ध्यान रखिए, लगातार करना है, एक उंगली से करना है, दो बार करना है. ठीक है. अब हम लोग इससे आगे वाले ऑप्शन सेटिंग में हमें ऑप्शन देखने, देखिएगा उसी उंगली को जैसे मैं पहले कर रहा था, एक उंगली को लेफ्ट से राइट की ओर लेके जा रहा हूँ मैं. देखिए connections wi-fi bluetooth airplane mode data usage connections showing items 1 to 14 of 31 connections wi-fi bluetooth data uses or airplane mode adi ye sari cheez ne batayegi ye pehle option mein ye cheeze hain. sounds and vibration sound mode ringtone volume. agar speed zyada to nahi hai vera sir meri jo phone jo theek hai theek hai theek hai theek hai sir ji. बहुत सही है सर. ऐप नोटिफिकेशंस स्टेटस बार डू नॉट डिस्टर्ब. ये मैं अभी एक उंगली को लेफ्ट से राइट में कर रहा हूं, फिर वापस राइट से लेफ्ट में आते रहिए पीछे वाले ऑप्शन के लिए. साउंड्स एंड वाइब्रेशन साउंड मोड रिंगटोन वॉल्यूम कनेक्शंस वाईफाई ब्लूटूथ एयरप्लेन मोड डेटा यूसेज. ये देखिए उसने सब चीज बता दी कि यहां पे क्या-क्या ऑप्शन होंगे. अच्छा, ये हमने फोन को शुरुआती तौर पर चलाने का तरीका मैंने आपको बताया है. अब फोन में क्या होता है साथियों, आपको बताया था फिजिकली फोन में तीन बटन होते हैं, दो वॉल्यूम रॉकर होते हैं, एक पावर बटन होता है. दो वॉल्यूम रॉकर, वॉल्यूम अप डाउन और एक पावर बटन. वो मैंने आपको पहले बताया था कि या तो तीनों एक साइड में भी हो सकते हैं या दो एक तरफ या एक एक तरफ होता है. अब फोन में साथियों फिजिकली बटन होते हैं तीन और फोन के अंदर स्क्रीन पर बटन होते हैं तीन. स्क्रीन पर तीन बटन होते हैं. हेलो कमल गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? नहीं सर, आप कीजिए ना, मेरा थोड़ा सा, मेरे को लगता है प्रॉब्लम हो रही है मेरे से, मैं थोड़े देर के लिए हट रहा हूँ. ठीक है ठीक है ठीक है, आप कंटिन्यू कर कीजिए. आप लोग थोड़े देर के लिए हट रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन अनम्यूट हो तू ना तो बाहर हो जाए अवतार. हम मैं हूं ना, चिंता मत कर. सुनना प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे से, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि मेरा फोन में कुछ ऐसा कुछ हो गया कि मैं, मेरे को पावर ऑफ करना पड़ रहा है. हां कर ले, तू कर ले, कर ले वापस. जी चलिए स्टार्ट कीजिए सर, आप अपना कंटिन्यू. सर ने भी कह दिया कि आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, आप कंटिन्यू करिए. थैंक यू सो मच मुकेश जी. तो साथियों मैं बता रहा था कि फोन में तीन बटन स्क्रीन पर भी होते हैं. तीन बटन स्क्रीन पर होते हैं, एक आपकी स्क्रीन में एकदम नीचे की ओर, नीचे की ओर यानी स्क्रीन में जहां आपका बॉटम साइड जिसको बोलते हैं एकदम नीचे, वहां पे आपको तीन बटन मिलेंगे. एक मिलेगा राइट में, एक मिलेगा लेफ्ट में, एक मिलेगा बीच में. राइट लेफ्ट में दो बटन होते हैं, बीच वाले बटन को हम लोग बोलते हैं होम बटन. बीच में मतलब स्क्रीन के नीचे की तरफ बता रहा हूं मैं आपको, जहां हमारे फोन में चार्जिंग पोर्ट, जहां से हम लोग फोन को चार्ज में लगाते हैं, वहां की बात कर रहा हूं मैं. नीचे स्क्रीन में होते हैं तीन बटन जिसे हम लोग बोलते हैं बैक, रिसेंट और होम. अब बैक की और रिसेंट की और होम की तीनों का मतलब क्या क्या है ये बता दूं आपको मैं. और निर्भर ये भी करता है साथियों कि किसी फोन में राइट में बैक बटन होगा, बीच में होम बटन होगा और लेफ्ट में रिसेंट ऐप या उसका आजकल कई फोनों में कुछ स्टॉक एंड्रॉइड में कुछ अलग नाम भी हो रहा है उसका. रिसेंट ऐप का शायद एक नाम और मुझे ध्यान नहीं आ रहा आजकल कई फोनों में. चलिए वो तो खैर आप समझ जाएंगे, बैक का नाम बैक ही होता है. तो बैक बटन, रिसेंट बटन और होम बटन, ये तीन बटन हो गए हैं. बैक बटन का काम ये है, बैक बटन आपको लेफ्ट में मिल सकता है, राइट में मिल सकता है. कई फोन में लेफ्ट में होता है, कई में राइट में होता है. रिसेंट की जो है कई में लेफ्ट में होता है, कई में राइट में होता है. तो वो आप अपने हिसाब देख लीजिएगा. होम बटन बीच में ही मिलेगा आपको, ठीक है.
Samsung message WhatsApp 929 messages from 8 chat. Samsung के फोन में पहले बैक बटन जो है सॉरी होम बटन फिजिकली बटन आता था, यानी फोन में उभरा हुआ आता था होम बटन, आजकल उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो बैक बटन हो गया, होम बटन हो गया, रिसेंट बटन हो गया, ये तीन बटन फोन में होते हैं। बैक बटन का काम ये होता है, हमने जैसे आपको मैं बता रहा था कि मैंने सेटिंग खोला, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। Sound notification, sounds and vibrations, back button, home screen one, हाँ, ये settings पे मैं था, settings one double tap किया, एक लगातार एक उंगली से, ये देखिए setting खुल गई। Settings, search settings button. Setting खुल गया। अब setting से मुझे अगर बाहर आना है, तो बाहर मैं कैसे आऊँगा? बाहर कैसे आऊँगा? बाहर back button को press करके आऊँगा। तो back button हमें swiping से नहीं मिला। हमें अगर एक उंगली से लोग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट खिसकाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमें वो बटन बैक बटन ढूंढना पड़ेगा। स्क्रीन के दाएं भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है, फोन में अपने अपने हिसाब से होता है। तो मेरे फोन में सैमसंग का फोन है ये, इसमें दाएं तरफ बैक बटन है नीचे की ओर स्क्रीन में, राइट साइड में बॉटम में, देखिए बोल रहा है बैक बटन, बैक बटन, बैक बटन। अब इसको मुझे दो बार दबाना है, क्योंकि बैक आने के लिए उसी स्पीड में दो बार दबाना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसे दबा बैक बटन किया मैंने, देखिए बैक बटन, ये मैं आ गया होम स्क्रीन वन ऑफ वन, फोन से सेटिंग्स, फोन के एकदम होम स्क्रीन पर आ गए हम लोग। जैसे हमने सेटिंग खोला था उसी तरीके से हम लोग बैक बटन को प्रेस करके बाहर आ गए। एक होता है होम बटन, होम बटन यानी हम लोग कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, किसी भी एप्लीकेशन में हैं, कहीं भी हैं, तो अगर होम बटन को प्रेस कर दें तो बाहर आ जाएंगे। एक होता है रिसेंट ऐप, रिसेंट वाला बटन, वो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं फोन में, जैसे सेटिंग्स है और भी हमने कोई फोन है कोई एप्लीकेशन खोल दी है, उन सारी एप्लीकेशंस को बंद करने के काम, एक वन बाय वन या एक साथ हम सारी एप्लीकेशंस को बंद कर सकते हैं। बंद यानी अगर हम लोग एप्लीकेशन खुली रखेंगे तो हमारी बैटरी भी जाएगी, है ना, फोन थोड़ा गर्म भी होगा, इसलिए हमें सारी एप्लीकेशंस को बंद करके रखना चाहिए। जैसे हम लोग लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मिनिमाइज करते हैं, उस तरीके से हमें सारी एप्लीकेशंस को बंद रखनी है। तो उस ऐप का भी आपको मैं उस चीज का भी आपको मैं कहता हूं कैसे। देखिए मैंने सेटिंग खोल दी थी अभी, माय फाइल्स जीओवीवी व्हाट्सएप जीओ सेटिंग्स, सेटिंग मैंने खोल दिया, सेटिंग खोल दी, बाहर आ जाता हूँ, ये होम से बाहर आ गया, बाहर आ गया, लेकिन होम से मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरी सेटिंग का ऑप्शन अभी खुला ही है, मिनिमाइज हुआ है सिर्फ, वो बंद नहीं हुआ है, वो सिर्फ क्या हुआ है, वो सिर्फ मिनिमाइज हुआ है। अब उसे मुझे बंद करना है, तो ये कैसे बंद करेंगे हम लोग, मैं रिसेंट ऐप को प्रेस करता हूँ, देखिए रिसेंट बटन, रिसेंट को किया मैंने, है ना, वन यूआई होम सेटिंग्स, सेटिंग्स इसने दिखाया सेटिंग्स, फिर एडवांस्ड ऑप्शन सर्च मोर ऑप्शंस क्लोज ऑल बटन, क्लोज ऑल सैमसंग में क्लोज, ये बहुत अच्छा फीचर, क्लोज मतलब सारी एप्लीकेशंस एक साथ क्लोज हो जाती है, ठीक है, क्लोज ऑल बटन, क्लोज ऑल पे भी हमें डबल टैप का मतलब उसी तरीके से डबल टैप करना है, एक उंगली से दो बार, देखिए क्लोज ऑल एप्स क्लोज होम स्क्रीन वन ऑफ वन, ऑल एप्स क्लोज यानी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्लोज हो गई हैं, ठीक है। अब हम फोन पे बाहर आ गए हैं, तो आपको शायद जो चीज मैंने बताई वो समझ में आई होगी। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फोन को हमें टॉकबैक को ऑन कैसे करना है, ठीक है, हमें स्वाइपिंग कैसे करना है, स्वाइपिंग कैसे करना है, हमें डबल टैप कैसे करना है, ये सारी चीजें होप कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमें अगली चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फोन जी हाँ फोन इसमें थोड़ा सा आपको बताना भूल गया था, फोन अगर आप लेते हैं एंड्रॉइड फोन, आपको पता है कि इतने मेहनत से लिया है, 12-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार का हम लोग फोन लेते हैं, तो उसके बाद में हमें फोन में लेते समय या आपने ऑनलाइन मंगाया तो थोड़ा बाद में आपको फोन पर
स्क्रीन गार्ड जिसे हम लोग ग्लास गार्ड बोलते हैं, स्क्रीन गार्ड बोलते हैं, जरूर लगवाना है। हमें पीछे बैक कवर जरूर लगवाना है। ये बहुत बहुत कॉमन बात है, जनरल सी बात है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये चीज हमको जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि आजकल फोन पूरे मेटल यानी प्लास्टिक से ऑलमोस्ट फोन की बॉडी स्क्रीन उसकी होती है, इसलिए आपको फोन पर ग्लास गार्ड और बैक कवर जरूर लगाना चाहिए। उसमें आप चाहें तो अपनी ओर से फ्लिप कवर भी लगा सकते हैं। फ्लिप कवर कई लोगों को कंफर्टेबल होता है, कईयों को नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अपनी बात पे चलते हैं कि फोन में आपने दो चीजें अभी तक दो तीन चीजें सीखी है। एक तो क्या हमें स्वाइपिंग कैसे करना है, एक आइटम से अगले आइटम पे कैसे जाना है, और बैक और रिसेंट की और होम की का क्या मतलब है। ठीक है साथियों, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा फोन में कि आज हम लोग एक बेसिक एंड्रॉइड क्लास ले रहे हैं, तो फोन में मैसेज व्हाट्सएप 933 मैसेजेस फ्रॉम 8। चलिए मैंने ये बंद कर दिया। फोन में हम लोग टाइपिंग कैसे करें या फोन, चलिए सबसे पहला काम होता है किसी को फोन लगाना, किसी को फोन लगाना है, किसी का फोन रिसीव करना, सबसे पहले यही काम होते हैं। ठीक है, तो हेलो, हाँ सर, हाँ बोलिए ना, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, हाँ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। जी जी जी, हाँ जी, तो अब अगली चीज मैं आपको बताऊं कि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, और तो चलिए बात की बातें हैं, हमें सबसे पहले फोन रिसीव करना है और फोन किसी को कॉल लगाना है। ठीक है साथियों, तो रिसीव करने के लिए जैसे ही आप टॉकबैक आपने ऑन किया, ठीक है, तो इसीलिए मतलब मैं आपको सैमसंग फोन की खासियत बताता हूँ कि सैमसंग फोन में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई कॉल, जैसे आपने टॉकबैक रिसीव किया तो सॉरी टॉकबैक को या वॉइस असिस्टेंट को ऑन किया तो आपकी वो फीचर्स जो आपको चाहिए बेसिक फीचर वो अपने आप ऑन हो जाते हैं। और जैसे आपके पास कोई कॉल आया आपने वॉल्यूम अप, क्योंकि वॉल्यूम के मैंने आपको दो बटन बताए थे, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप बटन को हमने प्रेस किया तो हमारा कॉल रिसीव हो जाता है। हमारा कॉल रिसीव हो गया, किसका फोन आया था वो देखना हमें बाद में, वो भी हम लोग देख सकते हैं किसका फोन आया था, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी चीज बताऊंगा कि हमें कॉल रिसीव कैसे करना है। वो फोन रिसीव हो गया, ठीक है। सैमसंग के अलावा दूसरे फोन में क्या होता है, हमें अगर कॉल रिसीव करना है तो हमारा कोई फोन आ रहा है, फोन आते समय जो हमारी रिंगटोन बजेगी, फोन की बाय डिफॉल्ट जो रिंगटोन होती है वो बजेगी, उसके बाद में हमें एक उंगली से ऐसे स्वाइप करना है, जैसे मैंने आपको बताया एक उंगली से हम लोग जैसे झाड़ू निकाल पहले एक आइटम से दूसरे आइटम पे जाने के लिए, तो हमें लेफ्ट से राइट में चलना है, एक उंगली से लेफ्ट से राइट में चलना है। लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो वहां पे तीन ऑप्शन आएंगे, लेफ्ट से राइट में हम लोग चलेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा किसकी किसी का किसी बंदे का कॉल आ रहा है, तो पहले तो उसका नाम बताएगा कि क्या नाम है, फिर बोलेगा आंसर बटन, डिक्लाइन बटन, ठीक है, तो आंसर बटन, डिक्लाइन बटन और सेंड मैसेज बटन। तो आंसर बटन जहां बोला, आपको पता है कि यहां बोलने आंसर बटन, यहां बोला डिक्लाइन बटन, यहां बोला सेंड मैसेज टू सेंड मैसेज स्वाइप लेफ्ट स्वाइप अप, तो आपको सबसे पहले जाहिर सी बात आपको फोन आंसर करना है, आंसर बटन जहां उसने बोला वहीं आप उस वहीं पे आप उसे डबल टैप करेंगे। देखिए इस यही स्पीड डबल टैप ना, डबल टैप हमेशा इसी तरीके से होगा, एक उंगली से पूरी स्क्रीन पे नहीं मारिए लेकिन दोनों एक ही जगह, दोनों बार एक ही जगह टैप होना चाहिए। हाँ विकास जी, मैं एक बात बता दूं जी, जैसे हम स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह में यू करते हैं तो हमारा टॉक खुद अनाउंसमेंट करता है कि स्वाइप अप फॉर आंसर, स्वाइप डाउन फॉर डिक्लाइन, इस टाइप से स्टॉक में, तो कस्टम भी करता है। जी कस्टम में भी करता है, पर स्टॉक एंड्रॉइड में ये चीज मैंने देखा है, जो मैंने अब देखा उसकी बात कर रहा हूँ ना। और सैमसंग के फोन में अगर कोई ये करता है या रेडमी के स्टॉक एंड्रॉइड में, तो आपको कॉल रिसीव करने के लिए अगर मान लीजिए आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दो उंगली स्वाइप राइट करेंगे तो फिर आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सैमसंग के फोन में ऐसा होता है बिल्कुल। हाँ,
और स्टॉक एंड्रॉइड में दो उंगली से स्वाइप अप कीजिएगा, ये अलग अलग फीचर है दोनों में। स्टॉक एंड्रॉइड में स्वाइप अप करना पड़ता है और कस्टम एंड्रॉइड में स्वाइप राइट। और स्वाइप जब जब इस्तेमाल करें तो उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, गैप रखें बिल्कुल जी, दो उंगली में एक उंगली से थोड़ा सा ज्यादा गैप रखें कि दोनों उंगलियों के बीच में डेढ़ उंगली आ जाए, यानी एक उंगली और उसकी आधी उंगली थोड़ा इतना गैप, इसको तो बोलते हैं वी, वी जैसे हम लोग प्रिंट में लिखते हैं, उतनी दूरी रखनी है। और इन्होंने बताया कि गुप्ता जी ने दो उंगली से ऊपर की ओर स्वाइप करना है, नीचे से ऊपर की ओर, वो बात हो गई स्टॉक एंड्रॉइड की जी, स्टॉक एंड्रॉइड की। और दो उंगली से राइट में स्वाइप करना है, वो होगी कस्टम एंड्रॉइड की। अगर आप उस तरीके से ना ढूंढ पाए तो आंसर जो अगर नहीं मिले, क्योंकि शुरू में जाहिर सी बात है स्वाइपिंग करने में कई बार नहीं भी मिलता है, वो स्वाइपिंग हमसे ढंग से होता है नहीं होता है, तो कॉल रिसीव करने का ये तरीका हो गया। उसके बाद में साथियों आपने कॉल रिसीव कर लिया, आपने बात कर ली, बात करने के बाद में अगर आपको कॉल डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है, आपको अगर कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो आपको पावर बटन जिससे हमने फोन को स्विच ऑन किया, ठीक है, आपको पावर बटन एक बार प्रेस करना है तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका। आपने जो बात की थी, आपने बात करने के बाद में कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहा, कॉल आपका इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको जी। आपको सेटिंग के अंदर जाके एक्सेसिबिलिटी में, ये तो बात की बात है लेकिन ऑलरेडी ऑफ रहता है सर, इसको हमको ऑन करना पड़ता है तब ये मिलेगा सर। पावर बटन इंस्टॉल को टॉक या वॉइस असिस्टेंट है सर, मेरा मैंने जहां तक देखा है सर, बिल्कुल जैसे हम लोग टॉकबैक या वॉइस असिस्टेंट ऑन करते हैं तो अपने आप ऑन हो जाता है, पर मेरे फोन में तो नहीं था ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल ये तो मैंने 3-4 फोन अभी तक इस्तेमाल किए हैं तो उसमें आपको उसे ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने मेरे में तो ऑलरेडी ऑफ था और मैंने ऑफ ही रखा है। चलिए कोई बात नहीं जी जी, आपका कौन सा फोन है? MI A3 है स्टॉक एंड्रॉइड, ये थी हां तो उसका आपके फोन में हुआ, बाकी अभी एंड्रॉइड भी आ गया, क्या पता संभव भी है, लेकिन मैंने तो 3-4 फोन इस्तेमाल किए तो उनमें सैमसंग के फोन में सैमसंग के फोन मिलता है ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, लेकिन के फोन में ये सिस्टम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मिलता है जी। बाकी हो सकता है कि स्टॉक एंड्रॉइड में मैंने मोटोरोला वगैरह यूज किए तो उनमें भी था ये, बाकी जैन सर अपनी वो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, वो भी वो हाँ जब 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 हम लोग क्वेश्चन आंसर होगा तब सेशन जब हम लोग रहेंगे। चलिए आगे तो आप पावर बटन प्रेस करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट करने कॉल को आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आपने क्या कि थोड़ा सा फोन को थोड़ी देर छेड़ा और फोन को आप रखना है, थोड़ी देर आपको रिलैक्स फील करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है वहीं पे जैसे अभी आपको दिखाया था, एक बार अब मुझे फोन को थोड़ी देर रख देना है तो क्या करना है, पावर बटन को एक बार प्रेस करना है, मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। स्क्रीन ऑफ जैसे आप लोग सिम्बियन फोन में करते थे, आपको याद है नोकिया के फोन पहले आते थे उनमें हम लोग स्टार सॉरी ओके और हैश प्रेस ओके स्टार करके स्क्रीन को ऑफ कर देते थे ना, तो फोन एकदम स्क्रीन ऑफ हो जाती थी, तो ऐसे हमको पावर बटन को एक बार प्रेस करना है, हमारी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। पावर बटन जिससे हमने फोन डिस्कनेक्ट किया था, जिससे हमने फोन को स्विच ऑन किया था, ये देखिएगा इसने बोल दिया स्क्रीन, कई फोन बोलता है स्क्रीन टर्न ऑफ, किसने बोलता है स्क्रीन ऑफ, तो ये अपनी बात है, लेकिन स्क्रीन ऑफ हो गई फोन की, ठीक है। अब हमें चलिए इससे आगे की मैं आपको चीज बता दूं, फोन में हमने स्क्रीन ऑफ कर ली, दोबारा से ऑन करनी है, मैंने फोन को ऑन कर लिया। ऑन कैसे करना है आपको, वापस दो उंगली से, वैसे तो खैर बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है गुप्ता जी की शायद कोई किसी भी तरीके का लॉक तो नहीं होता होगा फोन में, जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, जब स्क्रीन ऑफ करते हैं ना जी
तो वो लॉक रहता है, उसको स्वाइप अप करके इसको लॉक को आप दो उंगली से सकते हैं, दो उंगली से। और कई फोनों में ये लॉक सिस्टम नहीं होता है, वो अपने आप चालू हो जाता है। वैसे सैमसंग के फोन में स्वाइप अप करना ही पड़ता है। और दूसरे में तो अगर हमने कोई लॉक नहीं लगा रखा फोन में तो अपने आप चालू हो जाता है। हाँ, जैसे हम लोग के कुछ फोनों में चालू होता है, कुछ में नहीं होता, वो अपने अपने हिसाब से, बिल्कुल कहीं कहीं अपवाद हो ही सकता है सर, क्यों तो अलग अलग बातें हो सकती है। जी, तो हमें स्क्रीन अगर ऑफ कर लिया, हमें दोबारा स्क्रीन ऑन करनी है तो आप देख लीजिएगा अपने फोन के हिसाब से। कई बार तो क्या होता है कि पावर बटन को एक बार प्रेस करते ही वापस आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, अदरवाइज ना हो तो आप दो उंगली से ऊपर की ओर स्वाइप कर दें, दो उंगली से, जैसा मैंने पहले बताया था वी शेप में, उंगली दोनों उंगली के बीच में थोड़ी सी दूरी रखकर उसे ऊपर की ओर ऐसा ढकेल दें या पुश कर दें ऐसा, तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगी या फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फोन किसी को लगाना है। ठीक है, बहुत ये जरूरत की चीजें हैं और सारी चीजें हम लोग बाद में सीख सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं ये आज मैं आपको बता रहा हूं। फोन लगाना है, फोन कैसे लगाएंगे, चलिए हमने स्क्रीन ऑन Facebook। अब हमने सबसे पहले फोन का विकल्प ढूंढना है कि फोन कहाँ आता है। देखिए मैं स्वाइप कर रहा हूँ, All India Radio, Dainik Jagran, GODB, My Files, YouTube Band, WhatsApp, Gallery। मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ जैसे मैं आपको पहले बताया था, एक उंगली से बाएं से दाएं चल रहा हूँ। ठीक है साथियों, Home screen one of phone। ये देखिए इसने बोला फोन, फोन को मैं फिर उसी तरीके से एक उंगली से डबल टैप करूंगा, ये देखिएगा, ये मैंने फोन को मैंने डबल टैप कर दिया है। फोन को डबल टैप करने के बाद में आपको वहां पर देखिए, जैसे हम लोग डबल टैप करेंगे तो वही स्टॉक एंड्रॉइड कस्टम एंड्रॉइड वाली बात आ गई है, स्वाइप करते जाएंगे तो आपको कई फोन में देखिए जैसे मैं स्वाइप कर रहा हूँ, सर्च बटन, मोर ऑप्शंस, न्यू कंटेंट अवेलेबल बटन, टुडे हेडर वन ऑफ 112 एंड लिस्ट 100 तीन चीज होती है। हमें होम बटन से थोड़ा सा ऊपर, ये होम सबसे नीचे बीच में है, एकदम दोनों बटनों के बीच में होम है, बैक और रिसेंट की बीच में मैंने बताया आपको होम होगा। होम से जस्ट ऊपर हम ढूंढेंगे कीपैड, क्योंकि हमें किसी को फोन लगाना है, ठीक है, नंबर लगाना है या फिर सर आवाज नहीं आ रही है विकास जी, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, सर हेलो आवाज नहीं आ रही है काश जी, और तार मेरी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आई कुछ प्रॉब्लम आता है ना, आ गई प्रॉब्लम आता है ना, ये मौसम भी ऐसा है ना। बाकी लोग आप लोग जुड़ी रहेगी, आप लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोगों की पाली भी आएगी आप लोगों के लिए, आपको सब लोगों को अनम्यूट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग अपना प्रश्न तैयार रखिएगा और क्या क्या आप इसमें और सुधार चाहते हैं जी, सारी बातों को आप लोग रखिएगा जी। बहरे सर, हाँ चलिए सर शुरू जाइए जी। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें कीपैड कैसे ढूंढना है, फोन में किसी को फोन लगाना है हमें, तो कीपैड सबसे पहले कीपैड का
थोड़ा सा हम लोग विकास जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो विकास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बोलिए। आई 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 सर सर थोड़ा सा मैं इसमें इस मामले में बीच में बोलना चाहूंगा आपसे। आप स्वाइप तो बता दिए लेकिन यहाँ पे कभी कई जगह फोन लगाने में एक्सप्लोर बाय टच की आवश्यकता पड़ती है। हाँ वही मैंने मैंने सोचा था कि स्वाइपिंग के बाद में वो सेशन लेंगे थोड़ा सा। हाँ क्योंकि फोन लगाने से पहले एक्सप्लोर बाय टच को जरा यूज कर ले क्योंकि अगर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो स्वाइपिंग से नहीं दिखता है वो चीज तो हमको एक्सप्लोर बाय टच को अभी इस्तेमाल करना पड़ता है। वो थोड़ा सा बता दीजिए उसके बाद फिर फोन का टॉपिक लेंगे हम लोग। हेलो रुक जाना। हेलो विकास सर। हाँ विकास सर। विकास सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। विकास सर राजन मिट करके उनको लगा तो कॉल क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं इनको विकास का नंबर नहीं पता मेरे को। चल मैं लगा रहा हूँ ना मैं अपना म्यूट कर लेता। हाँ हाँ साथियों रिकॉर्ड के लिए खेद है। विकास सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ राजन। हाँ क्या बोले। व्यस्त है वो अभी। क्यों का फोन आ गया था विकास जी का। विकास जी का फोन आ गया था। हाँ लो ना तो फोन आ गया तो हाँ आप चर्चा करें जब तक। हाँ थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा धीरे धारण करें। हेलो जैन साहब बोलिए। मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है आ रही है बिल्कुल आ रही है। उनका कुछ कॉल आ गया है तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। आप आइए सर। हाँ। आप जब तक एक्सप्लोर बाय टच को समझा सकते हो क्या सर। नहीं उन्हीं से कराएंगे। हाँ ठीक है क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है ना। फोन मेरा चार्जिंग में लगा है ना इसके लिए बता तो सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली जी तो मैं क्षमा चाहूंगा जैन सर और अवतार जी और बहरा सर। मेरा कोई कॉल आ गया तो मैं पहले इम्पोर्टेंट कॉल देख के लेता हूँ। विकास जी जी कंटिन्यू करें प्लीज कोई दिक्कत नहीं। जी तो साथियों चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको स्वाइपिंग का तो मैंने बता ही दिया लेकिन गुप्ता जी ने थोड़ा सही कहा कि फोन लगाते समय हमें एक्सप्लोर बाय टच की भी जरूरत होती है। तो हमें एक्सप्लोर बाय टच का इस्तेमाल कैसे करना है जैसे हम लोग स्वाइपिंग कर रहे थे कैसे कर रहे थे स्वाइपिंग हम लोग ऐसे मैसेजेस एप्स कैमरा हम लोग स्वाइपिंग एक उंगली से कर रहे थे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब हमें एक्सप्लोर बाय टच करना है तो हमें क्या होगा हम कैसे करेंगे एक एक उंगली से अपने फोन की स्क्रीन पर पूरी स्क्रीन पर हमें हम चाहे तो उंगली घुमा के भी देख सकते हैं उस तरीके से भी हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अब मुझे ढूंढना है एक उंगली को बिना उठाए मैं स्क्रीन पे घुमा रहा हूँ पूरा ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ WhatsApp checking for new message एक उंगली से BTN, जैसे देखिएगा मैं अपनी स्क्रीन पर उंगली घुमा रहा हूँ और मुझे ढूंढना है क्या ढूंढना है मुझे WhatsApp मुझे फाइंड करना कैसे आएगा देखिएगा मुझे पता है कि WhatsApp कहाँ है लेकिन मैं एक बिगिनर के हिसाब से अपनी उंगली को चला रहा हूँ स्क्रीन पर। अब मुझे तो पता है कि WhatsApp कहाँ है देखिए यहाँ WhatsApp मुझे पता है कि WhatsApp यहाँ है लेकिन मैं एक बिगिनर के हिसाब से मैसेज WhatsApp अपनी उंगली चला रहा हूँ
YouTube bands, all Facebook, all Facebook, my Facebook, update settings, QDV, WhatsApp. अब ये WhatsApp मुझे मिल गया. ये कैसे ढूंढा मैंने? अपनी उंगली को स्क्रीन पे ड्रैग करते हुए पूरी स्क्रीन पर घुमाया इधर से उधर बीच में दाएं बाएं बिना उठाए. तो जैसे ही व्हाट्सएप आया तो मेरी उंगली व्हाट्सएप पे मैंने रोक के उसको डबल टैप कर दिया तो व्हाट्सएप खुल जाएगा. डबल टैप मैंने पहले बताया था वही तरीका होगा, यही स्पीड होगी डबल टैप की. तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोर बाय टच. कई जगह ये चीज बहुत काम आती है, स्वाइपिंग करने पर वो चीज नहीं मिलती जो चीज हमें एक्सप्लोर बाय टच में मिलती है. अब तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि हमें किसी को फोन लगाना है या किसी को फोन करना है. तो अब मैं बैक बटन मैंने प्रेस किया, स्क्रीन वन ऑफ वन. अब मैं फोन वाला ऑप्शन ढूंढ लेता हूं स्वाइपिंग से, या एक्सप्लोर बाय टच से भी ढूंढ सकते हैं. लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि बिगिनर जो शुरुआती लोग हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है. बाकी हम लोग स्वाइपिंग से ढूंढ लेंगे फोन को. चलिए Home button, Facebook, all in the daily GOD, my phone, YouTube, WhatsApp, gallery, home, phone. ये फोन मिल गया मेरा. अब क्या करना पड़ेगा? More options, new content available button. अब मुझे showing items 1-10 of 112. अब मुझे फोन किसी को लगाना है क्योंकि मेरे फोन में कॉन्टेक्ट तो सेव है नहीं. मैंने नया फोन लिया था. मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप कोई हमारे फोन में कॉन्टेक्ट सेव है नहीं. अब क्या है कि हमें फोन में बटन ढूंढना है, कीपैड बटन. ठीक है, कीपैड बटन हमें ढूंढना है. वो होम बटन से, देखिए मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा. होम बटन से थोड़ा सा ऊपर आप स्वाइप ना करके एक्सप्लोर बाय टच, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि उंगली घुमानी है, तो होम बटन से थोड़ा सा ऊपर हम अपनी उंगली चलाएंगे तो हमें कीपैड बटन मिल जाएगा. जैसे ये देखिए होम बटन, मेरे होम बटन कहाँ होता है? एकदम बीचों बीच, नीचे बॉटम में, मतलब फोन के नीचे नीचे एकदम बीचों बीच होम बटन है. अब मैं अपनी उंगली स्वाइपिंग ना करके ऐसे घुमाऊंगा धीरे 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 फोन पे चलाऊंगा एक उंगली बिना उठाए, तो मुझे मिल जाएगा कीपैड बटन. देखिएगा, ये देखिए कीपैड टैब 1 of 3, ये मिला. यहाँ पे तीन ऑप्शन है, देखिए कीपैड हो गया. अब चाहे तो हम लोग इसको स्वाइपिंग से भी देख सकते हैं. Contacts, tab 3 of 3. तीन चीजें यहाँ पे आती है, कीपैड टैब यानी कीपैड आप किसी को फोन लगा सकते हैं, रीसेंट टैब यानी रीसेंट टैब का मतलब ये होता है कि जो आपके पहले फोन आए हुए हैं, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, रिसीव कॉल, वो अभी अब हमारे फोन में है ही नहीं क्योंकि हमने नया फोन लिया है. फिर आता है कॉन्टेक्ट टैब, वो भी हमारे फोन में एक भी नहीं है, इसलिए हम लोग उनसे कोई मतलब ना कि कीपैड टैब पे जाते हैं. कीपैड टैब हमें ढूंढना है. अब हमें यहाँ भी कई जगह स्वाइप करना होगा, कई जगह एक्सप्लोर करना होगा. स्टॉक और कस्टम एंड्रॉइड दोनों की बात बता रहा हूँ मैं आपको. अब हमें फोन लगाना है, ठीक है, किसी को फोन लगाना है. तो साथियों आपको पता होगा कि हमारे फोन में जो नंबर सिस्टम होता है, जो डायल पैड जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कैसे होता है? पहली लाइन में 1 2 3, नेक्स्ट लाइन में 4 5 6, उससे नेक्स्ट में 7 8 9, और उससे नेक्स्ट में *0#. को यहाँ पे ये लोग अपने मतलब अभी टॉकबैक में ये लोग ये प्रोनाउंस करता है पाउंड, हैश नहीं बोलता उसको, ये पाउंड बोलता है. तो हमें पहले नंबर्स हमारे ढूंढ लेने, वो भी एक्सप्लोर बाय टच करके. स्वाइपिंग से ही मिल जाएंगे लेकिन इसमें एक्सप्लोर बाय टच यानी अपनी उंगली घुमाते रहना वो आसान होगा. जैसे मुझे नंबर प्रेस करना है 9450. तो चलिए मैं थोड़ा ढूंढने की कोशिश करता हूँ. वैसे तो मैं स्वाइपिंग में भी ढूंढ लूंगा कैसे, देखिए इसमें बहुत टाइम लग जाएगा. लेकिन कैसे? One, two. ये अभी कस्टम एंड्रॉइड की बात बता रहा हूँ. स्टॉक एंड्रॉइड में शायद नहीं मिलेगा, मुझे लगता है उस तरह से नहीं मिलेगा. आपको उसमें एक्सप्लोर बाय टच में ही ढूंढना पड़ेगा, ना कि स्वाइपिंग करके. तो चलिए एक्सप्लोर बाय टच हम लोग करते हैं. पूरी स्क्रीन पे मैं उंगली फिरा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ अपनी. 8 2 6 3 2 4 7, उंगली चल रही है मेरी. 5 4 1 4 7 asterisk
0 pound 9 6 3 2 5 4 1 dial pad phone. अब इसमें क्या होता है देखिएगा, अब मुझे प्रेस करना है 9 9 6 5 0, मैंने बताया आपको, या हाँ 9 4 5 0 9 6 5 0 जो भी समझ लीजिए, वो हमें प्रेस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमें 9 मिला, हमें अपनी उंगली वहां से उठा लेनी है, लिफ्ट कर लेनी है वो उंगली 9 के ऊपर से। जैसे 9 मिला, वहां से अपनी उंगली उठा लेंगे। कैसे, सबसे पहले मुझे 9 ढूंढना है, तो ढूंढता हूँ मैं। बस हमें ये हमें अंदाज होना चाहिए कि 9 कहाँ आएगा। आपको पता है कि हम लोग उन फोन को इस्तेमाल करते थे, 3 3 के नीचे 6 6 के नीचे 9 9 के नीचे हैश, 2 2 के नीचे 5 5 के नीचे 8 8 के नीचे 0, 1 1 के नीचे 4 4 के नीचे 7 7 के नीचे स्टार। तो हमें 9 अंदाज तो इतना होगा ही ना कि 9 कहाँ पे है। तो 9 देखता हूँ, देखिए मैं 2 2 3 6 9, ये 9 मिल गया, 9 ये मैंने अपनी उंगली हटा दी वहां से, तो 9 प्रेस हो गया 9। अब मुझे ढूंढना है 6, तो 6 ढूंढूंगा मैं, 4 5 6, ये 6, ये 6, ये उंगली हटानी, तो उसने बोला 6 एक बार, पहले बोलेगा 6, 6 पे जो आपकी उंगली आई, फिर जैसे अपनी उंगली को आप हटाएंगे तो बोलेगा 6, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है 5, तो 5 2 9 2 5 5 5, ये मैंने अपनी उंगली हटाई, 5 प्रेस हो गया, 9 6 5 हो गया। अब 0 करना है मुझे, तो आपको पता है 0 कहाँ आएगा, 5 के नीचे 8 8 के नीचे 0 0 0, ये मेरी उंगली सीधी वहीं लगी थी। खैर हमें तो अब करते करते पूरा अंदाज हो गया कि कहाँ बटन कौन सा है, 9 6 5 0, ठीक है, ये हमारा टाइप हुआ। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा नंबर सही टाइप हुआ है, क्या हमने जो नंबर डायल करना था वो हमारा नंबर सही डायल हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, वही एक्सप्लोर वाई टच, स्वाइपिंग ना करके अपनी उंगली को ऊपर की ओर ले जाना होगा धीरे धीरे, या ऊपर से नीचे धीरे धीरे लाएं, ऊपर से नीचे यानी जो हमारा ईयर पीस या कान वाला स्पीकर होता है उससे थोड़ा नीचे लाएंगे। देखिए Add to contacts button 9650 edit box. ये देखो इसने बोला Add to contacts button 9650 पूरा बोला ना इसने, वो 1000 में बोला, वो ठीक है, वो तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इसने बोला एडिट बॉक्स में आपने क्या टाइप किया। फिर मैं उंगली अपनी स्पीकर से नीचे लेके आ रहा हूँ, देखिएगा Add to contacts 9650 edit box. 9000 Add to contacts button 650 9650, वो ऐसे बोलता है, लेकिन नंबर इसे हम लोग अपने आम भाषा में, आम बोलचाल में क्या बोलेंगे, 9650। अब इसे हमें कॉल करना है, तो कॉल में भी हमें एक्सप्लोर वाइट टच ही यूज करना होगा, क्योंकि हमने एक बार देख लिया ना नंबर, तो अब हम स्वाइपिंग करना चाहें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए कॉल का बटन ढूंढते हैं, वही होम बटन को हम लोग होम बटन को हम लोग मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग कॉल बटन ढूंढेंगे। होम बटन कहाँ था हमारा, होम बटन, और ये कॉल बटन, कॉल बटन, ठीक है। कॉल पे हम लोग जैसे डबल टैप करेंगे, वो स्पीड डबल टैप की मैंने आपको बताई कि उस तरीके से डबल टैप करना है, तो आपका फोन चला जाएगा। ये 9650 ऐसे नंबर बताया मैंने आपको, इस तरह से कोई भी नंबर XXX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जिसको जिनको आपको कॉल करना है उस पर कॉल चला जाएगा। कॉल आपकी बात हो गई, कॉल चला गया, आपकी बात होने के बाद में आप फिर पावर बटन को प्रेस कीजिए, आपका कॉल कट जाएगा। ये थोड़ी सी बेसिक चीज थी। चलिए मैं इसमें एक चीज छोटी सी और कवर कर लेता हूँ मैं, कि फोन आपने लगा लिया, फोन से बात करना भी सीख गए, है ना। अब इसमें बहुत सारे जैसे बेसिक फीचर हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको कैसे करनी है। गुप्ता जी। हाँ जी विकास जी। जैन साहब अब इसके बाद में क्या टाइपिंग वाला नहीं कि और कुछ नहीं, मुझे लगता है विकास जी आज इतना ही लें, और अभी क्वेरीज है ना, आज के लिए इतना काफी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेशन सबके लिए ओपन कर देंगे, ठीक है। क्या क्या लगता है बहरा सर, बहरा जी? ठीक है सर, ठीक बोल रहे हैं, है ना। अभी हम क्वेश्चन के लिए सबको, ऑल को म्यूट अनम्यूट कर लेते हैं, ठीक है। जिसको जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ लेगा, तो है ठीक है। क्वेश्चन आप लोग वन बाय वन पूछेंगे, अगर एक बोल रहा है तो दूसरा थोड़ा चुप रहे, हाँ, क्योंकि सबकी आवाज समझ नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ तो अभी हम आप सबको अनम्यूट कर सकोगे या मैं करूँ? आप कर दीजिए सबको अनम्यूट।
आप बोले तो मैं कर दूं। कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ जैन साहब कर दीजिए, सबको हाँ, मौका दे दीजिए। अभी सबके पास रिक्वेस्ट गई है, तो जिसको जिसको बोलना है वो अनम्यूट कर लेगा अपने आप को और बोलेगा जो भी फीडबैक देना है, क्वेश्चन देना है। हेलो हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अपना नाम नाम बताइए और बोलिए। रामनार कश्यप बात कर रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जी। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो सर बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अगर वीडियो के साथ बताए तो और मस्त है। हेलो जी, जी जी हाँ, ये आपका सुझाव बिल्कुल अच्छा है, इसमें हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। आपका फीडबैक अच्छा है बिल्कुल, हम अगली बार इसको विचार में रखेंगे। और एक सवाल पूछना सर, मैं मोटो जी एस 5 करके यूज कर रहा हूँ, 5S जी, 5S करके। तो सर इसमें टॉकबैक को मैं सर बटनों में लाना चाहता हूँ, तो नहीं आ पा रहा है इसका कास्ट आएगा टॉकबैक को जी, जैसे कि बटन है ना ये पावर बाला इसके पता हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे लाना था टॉकबैक को। हाँ समझ गया मैं आपकी बात बिल्कुल जी। आप एक काम कीजिएगा, आपके पास अगर कोई साइटेड पर्सन बैठा हो या मैं आपको बता देता हूँ छोटा, मतलब बता दीजिए प्रयास कर लूंगा सर। आप सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे तो आपको आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है, आपको जाना तो एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मिलता है ना जी। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद में वहां पे एक ऑप्शन आएगा एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट। तो उसमें वैसे तो हमेशा नन सेलेक्ट रहता है, अगर कोई दूसरी चीज सेलेक्ट हो तो उसमें वो बोलेगा कि पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने से आप कौन सी चीज को ऑन करवाना चाहते हैं, ठीक है ये आपको मैं बता रहा हूं। हाँ जी एक बार जाओ मतलब जी बोलिए। वहां पे सर एंड कॉल का है पावर बटन में, तो नहीं वो नहीं, वो नहीं नहीं एक्सेस नहीं नहीं एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट सर जो बता रहे हैं ना वो करिए आप, वहाँ पे शॉर्टकट कीज है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए एक्सेसिबिलिटी का भी होता है और टॉकबैक का होता है, उस पे आप टॉकबैक कर दीजिए। एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में आप टॉकबैक कर दीजिए, फिर आपको जो दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको टॉकबैक ही ऑन होगा जी, फिर दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो टॉकबैक ऑफ भी हो सकता है आपका जी, वो फोन फिर साइटेड के मुताबिक काम करेगा जी। और किसी को क्वेरी? नेक्स्ट नेक्स्ट सर मैं आतिश बनकर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ तो मेरा एक कहना है सर जी, जी आप जानकारी दे रहे हो बहुत अच्छी है जी, लेकिन क्या है जो एप्लीकेशन है पढ़ने वगैरह के लिए PDF हो या ये है उसके बारे में भी आप लेंगे सेशन तो अच्छा होगा सर जी। जी जी आपका सुझाव, आपका नाम क्या बताया आपने? अतिश बनगर जी। अतिश जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है, अभी हम लोगों ने ये वर्कशॉप की श्रृंखला शुरू की है और बेसिक से लेकर हम आगे चलेंगे, तो आने वाले सेशंस में सब कुछ कवर होगा। नहीं लेकिन मुझे वो वर्कशॉप जो है आपका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप इतनी अच्छी तरह से दे रहे हो जी, जी कि अगर कोई फर्स्ट अगर नया मोबाइल खरीदी कर लेगा आज ही जी, और जी, आपके साथ पड़ेगा वो तो बहुत अच्छी तरह से वो हैंडल कर सकेगा मोबाइल जी जी, क्योंकि क्या है क्योंकि कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एंड्रॉइड के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमने शुरुआत से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए एप्लीकेशन पर आएंगे। नहीं नहीं ये तो है सर वो, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि मैं सर 2-3 साल से एंड्रॉइड यूज करता हूँ जी जी, लेकिन जी, जो बेसिक्स क्लियर की या बेसिक्स जो सर बता रहे थे विकास सर ये ऐसे कोई भी नहीं बताता है सर। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मुझे एक जो है सर एक है मुझे वो क्लियर करना है जी, विकास जी, सर जी को बताते समय एक सर ने टोका था जो टॉकबैक का जो है ना जी, टॉकबैक ऑन करने के बाद वो बता रहे थे कि पावर की से फोन कट जाता है, तो विकास सर बता रहे थे वो सही है, लेकिन जो सर बता रहे थे उन्हें टोका था दूसरे सर ने जी, ऐसा नहीं होता है लेकिन वो ऐसा ही होता है जी जी, जी कोई बात नहीं सर। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सुझाव के लिए और आपकी जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ धन्यवाद, आपके सपोर्ट की जरूरत है आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए।
लेकिन सर मुझे बहुत मुश्किल से लिंक मिल पाई है, वो मिल नहीं रही थी लिंक, बहुत मुश्किल से मुझे एक ही ग्रुप पे मिली है। कोई बात नहीं, अच्छी तरह से अगर शेयर हुआ या आप कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा सर जी। बिल्कुल, आप जो है अभी हमारे जो नंबर है शेयर किए जाएंगे आप, या मैसेज में शेयर किए गए होंगे नंबर, अभी आपको जो मिला होगा लिंक के साथ नंबर भी दिए गए थे, तो आप उन नंबर पर कांटेक्ट करके भी हमसे अपडेट आगे ले सकते हैं। ठीक है, चलेगा सर जी, क्योंकि मैंने दो चार दोस्तों के लिए मेरे भेजे है लिंक, लेकिन लोगों को नहीं मिल पाई थी, क्योंकि इतना अच्छा सेशन है, ऐसे अगर लोगों को मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके बेसिक से क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। नहीं, हमने नंबर उसमें, बहुत सारे लोग हमने उसमें फोन नंबर दिए हुए हैं, तो आप उस से संपर्क में रहिएगा और आपको जरूर अपडेट मिलेगा। ठीक है, भविष्य में हम लोग ऐसी वर्कशॉप संडे की संडे करते रहेंगे। जी जी, हाँ चलेगा। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई है? हेलो दिनेश, दिनेश जी ने हाँ बोलिए, दिनेश सर बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा नाम रोहित कुमार पांडे है जी, बिहार गोपालगंज से। जी जी, स्वागत है रोहित जी आपका। स्वागत है, स्वागत है, बताइए। तो सर मैं फोन यूज करता हूँ ओप्पो कंपनी का, ठीक है? हेलो जी जी, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है, जैसे बार बार जैसे टॉकबैक बंद हो जाता है, फिर अपने आप ओपन हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है दो तीन घंटे तक टॉकबैक बिल्कुल बंद ही रहता है। तो देखिए रोहित जी, इसका कोई सलूशन? सबसे पहली बात तो ओप्पो फोन जो है वो आपको मैंने बताया था कि ये एक स्टॉक एंड्रॉइड फोन है, सॉरी कस्टम एंड्रॉइड फोन है, और ओप्पो फोन जल्दी से ब्लाइंड लोग उसे एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी में थोड़ी सी समस्याएं हैं। हाँ, ये तो, लेकिन उस समय हमें ज्यादा मतलब वो नहीं था जानकारी, तो मैंने इसे जो मतलब दुकान वाला बोला कि ये फोन अच्छा है, वर्क भी अच्छा करेगा, जी इतना जानकारी नहीं थी मेरे को उसके बारे में। जी, तो इस वजह आपका, आपने बताया कि आपका टॉकबैक ऑन मतलब अपने आप ऑफ हो जाता है। हाँ, अपने आप ही ऑफ हो जाता है। ऐसे ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए कहीं, आप मुझे कभी व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कीजिएगा, मैं आपका फोन थोड़ा देख के ही बता पाऊंगा, यानी आपके फोन की आवाज सुन के कुछ सेटिंग्स अगर करवानी होगी तो वैसे ही मैं करा पाऊंगा। बाकी मैं आप सभी को ये थोड़ा रेकमेंड करूंगा साथियों कि ओप्पो वीवो ये जो फोन है ले लिया जिन्होंने वो कोई बात नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की थोड़ी थोड़ी इनमें समस्याएं आती हैं, इसलिए ये फोन ना लेकर हम लोग, जैसे आजकल बहुत अच्छे फोन चल रहे हैं रेडमी का, A3, सैमसंग का, आप कोई भी फोन लें विदाउट एनी हेजिटेशन लें, कोई भी समस्या आपको कहीं नहीं आएगी। नोकिया की सर, माई ओपिनियन, या तो आप स्टॉक एंड्रॉइड ले, अगर कस्टम में जाना है तो सैमसंग में जाए, इसके अलावा आप कोई चॉइस मत कीजिए। बिल्कुल 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 सही बात है। या तो आप स्टॉक एंड्रॉइड ले जो गूगल आपको देता है, और इसमें एक्सेसिबिलिटी की कोई इश्यू नहीं रहती, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो रेडमी हो, चाहे कोई हो, एमआई का A3 हो या और भी, क्योंकि एमआई का मुझे लगता है गुप्ता जी A3 ही ऐसा है, A3 ही जो एक्सेसिबिलिटी पूरी है। मोटोरोला भी पूरा स्टॉक एंड्रॉइड है, आसुस भी स्टॉक एंड्रॉइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला अगला चलिए जी, अगला लीजिए नेक्स्ट, किसी को कोई क्वेश्चन है बताइए। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। एक बात बताता हूँ, जैसे ये लिंक मुझे मिला बहुत मुश्किल से, तो मैं उस नंबर पर संपर्क कर सकता हूँ ना वैसे? हाँ जी, जो नंबर दे रखा है लिंक में, बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सर आप समझा रहे हो बिल्कुल बेसिक है और बहुत है, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है जी। थोड़ा नेटवर्क की इशू है, लेकिन भी बहुत ज्यादा आप अच्छे से समझ रहे हो, इसके लिए धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ हेलो, हाँ राजेंद्र भैया, हाँ बोलिए बोलिए, अपनी आवाज। हाँ, जैन साहब और विकास सर दोनों को मेरे तरफ से अभिवादन अभिनंदन।
जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद हाँ, बहुत बहुत बड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने प्रशिक्षण दे रहा है इसके लिए आपको धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर जी। प्रॉब्लम ये है मेरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है सर कि मेरा जो टॉपिक है ना सर, कभी कभी उसके बोलने का जो आवाज बदल जाता है, धीरे हो जाता है, एकदम स्लो चलता है और साउंड भी स्लो हो जाता है ना, और टॉपिक का प्रॉब्लम ज्यादा मेरे को परेशान कर रहा है सर। नहीं आपने बताया कि आपका साउंड स्लो हो जाता है, तो वो कहीं आपकी वॉल्यूम की दिक्कत तो नहीं कि आपका वॉल्यूम कम हो जाता है? वॉल्यूम वॉल्यूम क्या लिखा सर? जी जी मैं ये कह रहा था, आप बोल रहे हैं कि कभी साइमल्टेनियसली टॉकबैक आपका धीरे हो जाता है, आवाज कम हो जाती है। आवाज भी कम हो जाती है और उसका स्लो मोशन में जैसा बोलते हैं ना, स्लो मोशन में वैसा आवाज क्लियर नहीं रहता टॉकबैक। अच्छा स्पीच रेट कम ज्यादा हो जाता है सर? स्पीच रेट ही बता रहे हैं, आवाज दोनों बात बता रहे हैं ना? नहीं 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 अवतार भाई हाँ वो स्पीच रेट तो अब मैं ठीक करवा लेता हूँ। हाँ 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 उसके बावजूद भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आता है, समझ नहीं आ रहा मेरे। आप एक काम कीजिएगा, आप किसी साइटेड से अभी, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि शुरुआती यूजर हैं। हाँ शुरुआती यूजर ही हूँ, शुरुआती यूजर है ना, साल भर हो गया, साल भर हो गया। जी 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 वही मैं बोल रहा हूँ कि सेटिंग्स में जाकर सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट है, यानी जहाँ से आप मतलब सेटिंग में आप जाएंगे तो आप सर 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 विकास सर सर राव सर अपने फोन के पीछे साइड हाथ रख लीजिए, टॉकबैक मत चलाइए, टॉकबैक मत चलाइए, फोन के पीछे साइड हाथ रख लीजिए। हाँ बोल, अब बोलो सर। जी राव सर हाँ, जैसे आप सेटिंग में जाएंगे ना, सेटिंग में आपका फोन कौन सा पहले थोड़ा सा ये मुझे बता दें। सैमसंग A30। A30 वेरी गुड। तो अच्छा एक बात इसमें मुझे थोड़ा सा और जानना है कि आप इसमें वॉइस असिस्टेंट चला रहे हैं या टॉकबैक आपने अलग से डाउनलोड किया है? वो ऑटो टीटीएस। नहीं नहीं सर ये वॉइस असिस्टेंट चला रहे हैं। ये वॉइस असिस्टेंट चला रहे हैं, मुझे पता है, ऐसा लग रहा है मुझे वॉइस असिस्टेंट चला रहे हैं। हाँ वॉइस असिस्टेंट चला रहे हैं। तो आप एक काम कीजिएगा राव सर, प्ले स्टोर में जाके टॉक बैक डाउनलोड कीजिए, सॉरी एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट, एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट, टॉक बैक का नाम ही एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट है। अच्छा वॉइस असिस्टेंट इतना अच्छे से वर्क नहीं करता जितना अच्छे से टॉक बैक वर्क करता है या एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट वर्क करता है। तो आप एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में चला के देखिएगा। ठीक है सर। तो ये जो नंबर दे रखे हैं मैं फोन कीजिए, मैं आपका नंबर मैं ले लूंगा अवतार गुप्ता से, फिर आपको फोन। जी जी थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। नेक्स्ट कोई किसी को डाउट या किसी को कोई फीडबैक देना है तो आप बताइएगा। देवांगन सर आप भी बोल सकते हैं। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ बोलिए बोलिए। अपना नाम? हम आकांक्षा सिंह बोल रहे हैं। हाँ आकांक्षा बोलो बोलो, बायोद्वार से बोल रही हैं, बायोद्वार जानकी जिला चापा से बोल रही, चलिए बोलिए। जी सर हम भी M30 यूज कर रहे हैं और जैसे सर आप लोगों ने बताया कि वॉल्यूम अप एंड डाउन से सेंटर में प्रेस करके और टॉकबैक ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो समटाइम्स ऐसा ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो वॉइस चेंज हो जाती है, फिर उसको ऑन करते हैं तो टॉकबैक ऑन हो जाता है, डबल प्रेस में होता है लेकिन वो वॉइस नहीं करता है। नहीं आप आकांक्षा जी, जी मुझे लगता है कि शायद आप भी वॉइस असिस्टेंट ही चला रही हैं। जी है ना। जी तो आपके लिए भी मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप भी प्ले स्टोर में जाकर एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट डाउनलोड करें, वो आपको वॉइस असिस्टेंट से भी ज्यादा इजी लगेगा। हेलो प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर मिलेगा एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी।
सर हम लोग ने वही डाउनलोड किया अभी आप उसी से वही डाउनलोड आप वॉइस असिस्टेंट से यूज कर रहे हैं कि एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी सूट यूज कर रहे हैं नहीं एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी से एक्सेसिबिलिटी सूट यूज कर रहे हैं इसमें आप बता रहे हैं कि आपकी वॉइस चेंज हो जाती है जी सम टाइम चेंज भी हो जाती है प्लस जैसे असिस्टेंट ऑफ कर दो फिर ऑन करेंगे ना तो उसमें डबल टैप से तो फंक्शन होते हैं किंतु वो वॉइस नहीं करते हैं हाँ तो ओ अच्छा विकास जी ये शायद वॉइस असिस्टेंस ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं करना है ना हाँ वॉइस नहीं नहीं वॉइस देखो मुकेश जी जैसे क्या होता है टॉकबैक अगर इन्होंने ऑन कर लिया ना हाँ तो वॉइस असिस्टेंट स्वतः ही ऑन ऑफ हो जाता है ऑफ हो जाता है ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में वॉइस असिस्टेंट को रख रखा है हाँ जी जी बस वही वही है बहुत सही है आप एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में जाके टॉकबैक को चूज करिएगा हाँ बस बस वही प्रॉब्लम है बस सही समझा आपने नहीं तो फिर वो सब जैसे चूज कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस टाइम वो आवाज नहीं करता है जैसे ऑन ऑफ करने के बाद पश्चात ना कई बार वो आवाज नहीं करते हैं वो करेगा आपने उसको ऑफ कर दिया तो आप ये भाई देखिए आपने अगर वॉल्यूम की से उसको ऑफ किया है तो ऑन करने के लिए आप क्या पहले से दूसरा मतलब चीज सेलेक्ट है इसलिए आपको अगर एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में आप टॉकबैक रख लेंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आए उसके बाद आप थोड़ा अवतार गुप्ता जी से संपर्क कीजिए नहीं तो मुझे ये बताएंगे फिर मैं बता दूंगा आपको ठीक है आप लगता है मुझे समस्या नहीं आएगी आप हेलो सर नमस्कार बोलिए टकेश्वर यादव बात कर रहा हूँ हाँ बोलिए अमृतापुर से हाँ जी जी मेरे को पूछना है सर कि J7 सैमसंग में कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं J7 आपका 2017 है 18 है J7 में दो है 15 है सर नहीं आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा जी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्योंकि आपका एंड्रॉइड वर्जन जो 8 है ना उससे ऊपर के फोन में ही आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलता सर 9 और 10 से नीचे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिलेगा कोई एप्स वगैरह होगा सर इसके लिए फिर हेलो व्हाट्सएप फॉर न्यू मैसेजेस हेलो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए एप्स बहुत सारे हैं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो जी एक सवाल और सर जी बताइए बोले जूम ऐप में मतलब अभी हमने एंटर किया तो हम स्क्रीन लाइन स्केल एंड पोर्ट्रेट क्यों बताता है ये तो वो ये इस ऐप का फीचर है आप इसमें काम क्या कीजिए जी हमेशा अपने फोन को कैसे रखेंगे आपके फोन का जो ऊपर का हिस्सा है टॉप का है ना वो आसमान की तरह है ऊपर रखना है और चार्जिंग वाला हिस्सा उसको नीचे रखना है फोन को उस तरह से रखना फिर आपको ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड नहीं बोलेगा जी जी धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए लंबा पकड़ना है सर सीधा हां नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नेक्स्ट आइए हां सर जी नमस्कार सर सर आप हैं चलिए बोलिए नमस्कार विकास सर जी को मुकेश सर जैन जी को आप लोग को इतना अच्छा वर्कशॉप करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ सर जी मेरे को एक निवेदन है सर जी की जैसे आप जो मैं कभी कभी क्या करता हूँ सर जी की जो कोशिश करता हूँ सीखने का दो बार टैप करने के बाद भी वो शुरू नहीं हो पाता सर जी जो भी अपन लगाना चाहते हैं एप्लीकेशन तो टैप करने के बाद भी वो मतलब उसको ऑन नहीं हो पाता सर वो उसका इसके लिए क्या कुछ उपाय सर जी एक्टिवेट नहीं हो पाता कहने का मतलब ये जी एक्टिवेट नहीं समझ गया मैं शुरुआती समय में ये समस्या आती है वो होता क्या है कि जो डबल टैप करने का जो हमारा तरीका है उसमें थोड़ा देरी हो जाती है हमसे पहला टैप किया तो दूसरा टैप लगातार मतलब दो जैसे मैंने ये चीज मैंने आपको बार बार समझाई थी कि डबल टैप करने का जो तरीका है वो हमारा ये स्पीड एक जैसी होनी चाहिए और दोनों उंगली एक जगह पड़नी चाहिए
तो सर इसके लिए, सर इसके लिए किस प्रकार से मैं अभ्यास करना चाहिए सर, जी टैग की ऐसा हमारा जो देवाना सर जी आपको छोटे रूप में समझा दूं जी, आप जल्दी जल्दी दो बार उसी जगह पे उंगली को दो बार टच करोगे तो खुल जाएगा जल्दी जल्दी। अगर आपने एक सेकंड का भी लेट किया तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, माने जल्दी जल्दी करना है आपको। जैसे उदाहरण के लिए मेरे फोन में सकते हैं क्योंकि आवाज अभी सब सभी को म्यूट अनम्यूट है इसलिए बस ऐसे जल्दी जल्दी दो बार ठीक है जी सर जी। और एक सुझाव और है सर जी मेरा कि जैसे अपना जो आप लोग वर्कशॉप चला रहे हो इसमें अधिक से अधिक संख्या को जोड़ने के लिए सर अपने जो है ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में जानकारी दे दे ताकि अधिक से लोग इसका लाभ लें। और जहां तक मुझे संज्ञान है कि इसमें बहुत से लोग जो है एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में जानते नहीं है। और एक निवेदन और है, दूसरा निवेदन कि जब भी आप लोग क्लास स्टार्ट करते हो तो हमें मोबाइल किस प्रकार के लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में डेली थोड़ा सा रिपीट करेंगे सर जी, तो नए जो बच्चे जुड़ेंगे, नए छात्र जुड़ेंगे, उसके लिए फायदेमंद रहेगा सर। हाँ तो उसका सर ये डेली मतलब जी शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें कवर करवानी है और हम चाहते हैं कि अलग अलग फैकल्टीज आपके सामने आए ताकि, क्योंकि देखो कोई एक आदमी हर तरीके से परिपक्व नहीं हो सकता, किसी चीज को किसी चीज का किसी आदमी को किसी का ज्यादा अनुभव, किसी आदमी को किसी चीज का ज्यादा अनुभव है। आगे हम लोग एप्लीकेशन की चर्चाएं करेंगे तो आपके सामने बहुत स्पेशल स्पेशल फैकल्टीज आएंगे। तो फिर भी चलो हम लोग कोशिश करेंगे जैन साहब से और गुप्ता जी छोटा सा भाई आपको फोन कैसा खरीदना चाहिए, और या फिर आपका कोई दोस्त अगर फोन खरीदना चाहता है तो उन्हें हम हमारे में से आप किसी से भी बार जी सर थैंक यू सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 धन्यवाद। अगला नेक्स्ट अगला नेक्स्ट कोई जी और कोई है क्या और कोई है क्या अगर कोई नहीं है तो हम एक दो मिनट वेट करेंगे या फिर नहीं तो वेलकम स्पीच के साथ हम इसे एंड करेंगे, सॉरी थैंक यू स्पीच के साथ। हेलो हाँ जी हाँ जैन साहब नमस्कार सभी को नमस्कार शिवशंकर कपूर नमस्कार सर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसे सुंदर आयोजन के लिए। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जी जी बहुत ही अच्छा विकास जी ने बड़ी ऐसी छोटी छोटी बातें बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी और हमारे प्रतिभागियों को इससे बहुत फायदा होगा। धन्यवाद सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू कपूर साहब थैंक यू सर थैंक यू। चलिए और कोई क्वेरी बताइए जी। सर सवाल हाँ जी कैसे बोल रहा भाई एक निवेदन है अपना जो क्लास जो है सर जी संडे संडे लगेगा कि बीच में और कुछ इसके रिवाइज के लिए रिवीजन के लिए नहीं अगले संडे नेक्स्ट संडे उसके लिए दृष्टिबाधित विकास संघ ग्रुप है। हाँ उसमें चर्चा सोमवार बुधवार शुक्रवार उस दिन तीनों दिन ये सब चीजें इम्पोर्टेंट बात जो है आप सभी को मैं बताता चलूं कि हमारा ये हो सकता है कि हमारा सेशन यूट्यूब पर भी अपलोड हो। ये YouTube पर अपलोड होगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को प्रोवाइड कर ली जाएगी जो भी इसमें शामिल हुए हैं। वेरी गुड सर जी 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 ला के ला 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 तो सर ये अपने को सर ये सिर्फ संडे को अवेलेबल 2 बजे होगा हमेशा सर तो टाइम ही रहेगा अपना। इसकी जानकारी आपको ग्रुप में दी जाएगी दृष्टिबाधित विकास संघ में इस ग्रुप में दी जाएगी जानकारी इसकी। थैंक यू सर जी जी जैन साहब हाँ जी भैया कह रहे टाइम को ना 2 बजे के जगह में कुछ या तो 11 बजे करिएगा या 10 बजे करिएगा या सुनिए ना 11 बजे बुक शेयर की मीटिंग होती है। सब लोग मुझे लगता है कि फ्री होते हैं ये दोपहर का समय है जी होता क्या है 11 बजे हेलो अच्छा चलो बोलो मैं यही बोल रहा था हेलो कि 11 बजे बुक शेयर की मीटिंग होती है 11 बजे नहीं सूटेबल है इस समय 2 ही बजे ठीक है क्योंकि अन्य ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो 2 एक समय उचित है इसमें आप लोग कम से कम ये सूटेबल टाइम है आप लोग ये सूटेबल टाइम है सर टाइम है ये बढ़िया
बढ़िया टाइम है। 2 बजे ठीक है सर, 2 बजे ठीक है सर। हाँ हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। मुकेश सर जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। और जो हमारे प्रशिक्षक है उनको भी हृदय से हम अपने ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा इनका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुरुनाथ सर जी को नहीं, मेरी ओर से कोई क्वेरी नहीं। गुरुनाथ सर जी को आभार प्रदर्शन के लिए कर दीजिए। जी जी। तो सर आइए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आभार प्रदर्शन आज के लिए आप अपनी ओर से प्रस्तुत करें। आप आमंत्रित हैं सर। गुरुनाथ सर, चलिए। आदरणीय मुकेश जैन सर तथा आदरणीय सचिव महोदय हमारे दृष्टिबाधित विकास संघ एवं आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे दृष्टिबाधित विकास संघ तथा हमारे ये प्रशिक्षक महोदय का नाम थोड़ा विकास सर जी, बहुत अच्छा आज का वेबिनार रहा, हमारी उम्मीद से परे बहुत जबरदस्त रहा। आशा करते हैं कि आज का जो प्रशिक्षण है काफी लोगों को लाभ मिलेगा इससे, और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से हम लोग मिलजुल कर ऐसे ही प्रयास करते रहें ताकि जो आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का, और उससे हम अछूते बहुत से दृष्टि बाधित जो भाई बहन हैं इससे अलग हो गए हैं इसके कारण, जो ना आने के कारण, तो इससे हमको काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो पिछड़ रहे हैं जो प्रगति से, वो उस कड़ी से जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए मैं हृदय से हमारे संस्था की ओर से और मुकेश सर को और विकास सर को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। तो चलिए साथियों, इन्हीं आभार प्रदर्शन के साथ आप सभी ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई, और आज आप सभी हमारे साथ बने रहे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त होती है। सर हेलो 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 जैन साहब। हाँ सर जी। फिर अगले हफ्ते इसी समय 2 बजे फिर विकास सर जी तो रहेंगे ही, और हमारे एक्सपर्ट प्रशिक्षक के साथ फिर से उपस्थित होंगे अगले हफ्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।